हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज मनीष पांडे फ्रॉम एबीसी ज्ञानवर्धक क्लासेस गया बिहार। वेलकम टू द ऑनलाइन एजुकेशन ऑफ एबीसी ज्ञानवर्धक क्लासेस। लास्ट क्लास में हमने बताया था यूनिट एंड डायमेंशन। आज हम लोग उसका सेकंड लेक्चर देखने वाले हैं कि व्हाट इज यूनिट एंड डायमेंशन का सेकंड लेक्चर। पिछले क्लास में हम फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बात किए थे कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, यूनिट क्या होता है, कितने तरह के होते हैं। फिजिकल क्वांटिटी दो तरह के होते हैं, फंडामेंटल डेराइव्ड, उसके अलावा एक और होता है दैट इज सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। आज हम लोग मेनली बात करेंगे डायमेंशन के ऊपर। कुछ हम क्यों रिवीजन आपको करा दो कि फिजिकल क्वांटिटी दोज क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट बाय मीन्स ऑफ विच वी कैन अंडरस्टैंड द लॉज ऑफ फिजिक्स, दैट इज नोन एज फिजिकल क्वांटिटी। अब ये फिजिकल क्वांटिटी जैसे समझिए, लेंथ इज अ फिजिकल क्वांटिटी, मास इज अ फिजिकल क्वांटिटी, टाइम इज अ फिजिकल क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक करंट इज अ फिजिकल क्वांटिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी इज अ फिजिकल क्वांटिटी, टेम्परेचर इज अ फिजिकल क्वांटिटी, अमाउंट ऑफ सबस्टांस इज अ फिजिकल क्वांटिटी, फोर्स इज अ फिजिकल क्वांटिटी। ये सभी क्या है? फिजिकल क्वांटिटी है जिसको कि हम मेजर कर सकते हैं किसी ना किसी इंस्ट्रूमेंट से। ठीक है, हैप्पीनेस ये फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। इस तरह का मैंने एग्जांपल्स मेरा लास्ट वीडियो आप देखिए, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, तो आप वहां से आप लास्ट वीडियो को भी देख सकते हैं। लास्ट वीडियो को आप जरूर देखिए, तभी आपको आज का वीडियो समझ में आएगा, अदरवाइज आपको थोड़ा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो हम ये आपको सजेस्ट करेंगे कि आप उस वीडियो को जरूर देखें, तभी ये वीडियो आपको समझ में आएगा। उसमें मैंने मेनली बात किया था उसके बाद यूनिट के ऊपर। यूनिट एक स्टैंडर्ड है जो फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करता है, जो फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है। जैसे लेंथ के लिए हम लोग यूज करते हैं मीटर, ध्यान दीजिएगा, लेंथ के लिए यूज करते हैं मीटर। ये एक स्टैंडर्ड है। आप बोलते हो एल इज इक्वल टू 50 मीटर, मतलब 50 टाइम्स ऑफ 1 मीटर, 1 मीटर का 50 टाइम्स। आप यूज करते हो मास इज इक्वल टू 20 kg, मतलब 20 टाइम्स ऑफ 1 kg। आप यूज करते हो टाइम इक्वल टू 30 सेकेंड, मतलब 30 टाइम्स ऑफ 1 सेकेंड। ठीक है, लेकिन कुछ लोग मास को इनवर्ट ग्राम बोलता है, कुछ लोग मास इनवर्ट को ग्राम बोलता है, लेंथ के यूनिट को सेंटीमीटर यूज करता है, लेंथ के यूनिट को फुट भी यूज करता है। ठीक है ना, तो वो सब सिस्टम था। यहां पे क्या था, कुछ 1971 के पहले तीन ही सिस्टम चलते थे, 1971 के पहले तीन सिस्टम चलते थे। कौन कौन सा सिस्टम था देखिए ध्यान से, मैं सिस्टम ऑफ यूनिट को रिवाइज करा देता हूँ। सिस्टम ऑफ यूनिट्स बिफोर 1971 के पहले, बिफोर 1971 की बात कर रहा हूं मैं, 1971 के पहले ये तीन इंपॉर्टेंट सिस्टम थे। द फर्स्ट इज FPS system, FPS system. This one is CGS system, and the third one is MKS system. ये सारा चीज मैंने लास्ट वीडियो में बताया है, लेकिन फिर से मैं रिवाइज करा देता हूँ। FPS system, CGS system and MKS system. FPS system that is इसको British system. इसको ब्रिटिशर्स ने निकाला था ब्रिटेन में, और जो ब्रिटेन के गुलाम थे जो देश, वो भी इसको मानते थे पहले। ये 1971 के पहले की बात है। सीजीएस सिस्टम दैट इज गाउसियन सिस्टम। और एमकेएस सिस्टम का दूसरा नाम है मैट्रिक सिस्टम। ये फ्रांसिसियों का दिन था, फ्रांस का सिस्टम था। तो इसमें तीन चीज कॉमन है, एफ मतलब फुट, पी स्टैंड्स फॉर पाउंड, एस स्टैंड्स फॉर सेकंड। सीजीएस में सी स्टैंड्स फॉर सेंटीमीटर लेंथ के लिए, जी स्टैंड्स फॉर ग्राम मास के लिए, S stands for second time के लिए। MKS system में M stands for meter length के लिए, K stands for kilogram mass के लिए, and S stands for second that is time के लिए। ये तीन तरह का system लोग use करते हैं 1971 के पहले। जैसे-जैसे physics का development होता गया, अब यहाँ पे problem है। कुछ लोग length को foot बोलते थे, कुछ लोग length को centimeter बोलते थे, कुछ लोग length को meter बोलते थे, कुछ लोग mass के लिए pound use करते थे, कुछ लोग mass के लिए gram use करते थे, मास के लिए किलोग्राम यूज करते थे। तो कंफ्यूजन होना शुरू हो गया, लोगों में प्रॉब्लम होता था। हमको वो बोलता था कि हम फुट मानेंगे, वो बोलता था मीटर मानेंगे, तो आप कोरिलेट नहीं कर पाते थे। तो लोगों ने बैठा 1971 में 1971 में 1971 एक मीटिंग हुआ, साइंटिस्ट लोगों का एक मीटिंग हुआ, फ्रांस में उसका मीटिंग भी हुआ था, और एक कॉन्फ्रेंस हुआ, जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट्स एंड मेजरमेंट। यहां पे फिजिकल क्वांटिटी का सात
सात क्वांटिटी का हम लोग यहाँ पे इसके बारे में पढ़ते हैं, उसकी यूनिट को बताया गया। वो सात क्वांटिटी को बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी मतलब क्या? इंडिपेंडेंट, जो कि इंडिपेंडेंट है, एक को दूसरे से कोई मतलब नहीं, उसको बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी। उसकी यूनिट बताया गया, एक स्टैंडर्ड दिया गया, बोला कि भैया सबको यही मानना पड़ेगा, सब यही मानिए तो अच्छा रहेगा, फायदे में रहोगे, सब आप आपस में कोऑर्डिनेट करने में आपको दिक्कत नहीं होगा। तो जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट्स एंड मेजरमेंट, यहाँ पे साइंटिस्ट लोगों की मीटिंग हुई और वहां पे फंडामेंटल क्वांटिटी का यूनिट बताया गया। तो लेंथ के लिए लेंथ का यूनिट वहां बताया गया मीटर, मास का यूनिट क्या हुआ तो किलोग्राम, टाइम का यूनिट तो सेकेंड, टाइम का यूनिट सेकेंड, फिर टेम्परेचर, इसमें टेम्परेचर, टेम्परेचर का यूनिट यहां केल्विन, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट के लिए एम्पियर, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी के लिए कैंडेला, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए मोल। ये तीन तो एलकेएसी में लिया गया और बाकी चार इसमें ऐड हुए। तो लेंथ, मास, टाइम, ये एमकेएस सिस्टम का ही है, बाकी चार टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी और अमाउंट, ये टोटल सात ये फंडामेंटल क्वांटिटी और इसके यूनिट्स। इसके अलावा दो और सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी आपका फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, और दो और आपका सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। सप्लीमेंट्री क्वांटिटी कौन कौन है? द फर्स्ट वन इज प्लेन एंगल एंड द सेकंड वन इज सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल, प्लेन एंगल का यूनिट बताया गया रेडियन, प्लेन एंगल का यूनिट रेडियन, और सॉलिड एंगल का स्टेरेडियन। ये दो आपका होता है, प्लेन एंगल का रेडियन और सॉलिड एंगल का स्टेरेडियन। ये सब 1971 की कहानी में बता रहा हूं, वहां पे साइंटिस्ट लोगों ने और बोला कि इनवेरिएबल है, चेंज नहीं होना चाहिए टाइम के अनुसार, ऐसा नहीं है कभी हम मीटर वाले में बाद में फिर चेंज करते हैं, ये नहीं होना चाहिए, एकदम एक स्टैंडर्ड मान लीजिए और इसी को मानिए, ठीक है। उसके बाद एक दूसरा एक फंडामेंटल सप्लीमेंट, उसका डिराइव क्वांटिटी। फंडामेंटल इट इज इंडिपेंडेंट, लेंथ को मास से कोई मतलब नहीं, मास को टाइम से कोई मतलब नहीं, टाइम को टेम्परेचर से कोई मतलब नहीं, टेम्परेचर को करंट से कोई मतलब नहीं, करंट को मास से कोई मतलब नहीं, मास को ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, दे आर इंडिपेंडेंट फ्रॉम ईच अदर। उसके बाद होता है डिराइव फिजिकल क्वांटिटी, डिराइव मतलब जो डिराइव हो, जो कि कॉम्बिनेशन फंडामेंटल से मिलकर बने, मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, ऑब्टेन बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, उसको हम क्या बोलते हैं डिराइव। जैसे आपका स्पीड, स्पीड इक्वल टू आपको लगता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस मतलब क्या लेंथ, लेंथ क्या है फंडामेंटल क्वांटिटी, टाइम भी क्या है फंडामेंटल क्वांटिटी, दोनों फंडामेंटल क्वांटिटीज मिलकर बना स्पीड, स्पीड कौन सा क्वांटिटी डिराइव्ड क्वांटिटी। उसी तरह से वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, लीनियर मोमेंटम, प्रेशर, फोर्स, काइनेटिक एनर्जी, वर्क, पावर, ये सब सब क्या है डिराइव्ड क्वांटिटी, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, ये सब आपका कॉम्बिनेशन होता है, इन्हीं सब कॉम्बिनेशन से होता है, ये सब डिराइव्ड क्वांटिटी जो कि कुछ ना कुछ कॉम्बिनेशन से होता है। तो ये लास्ट वीडियो में आप जरूर देखिएगा, लास्ट वीडियो में मैंने सारा चीज बताया, इन सभी के ऊपर मैंने अच्छे से इस पर डिस्कशन किया है, पूरे पूरे वीडियो को काइंडली मेरा रिक्वेस्ट है कि उस वीडियो को आप देखें और समझें कि क्या होता है फिजिकल क्वांटिटी। आज मेनली हम बात करेंगे डायमेंशन, ठीक है, व्हाट आर द डायमेंशन एंड डायमेंशनल एनालिसिस, आज हम डायमेंशन के बारे में पढ़ेंगे, डायमेंशन, ठीक है। तो निकाल लीजिए अपना कॉपी और कलम और मेरे साथ नोट्स भी बनाइए, आप वीडियो को पॉज करके भी नोट्स बना सकते हैं और साथ में भी आप बना सकते हैं, क्योंकि हम अपना स्पीड में बहुत आराम से धीरे 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 आपको उस लेवल तक ले जाएंगे। ये मेरा हम लोगों का एम्बिशन है, एम है कि आप धीरे 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 फ्रॉम जीरो लेवल टू हीरो लेवल, फ्रॉम बॉटम टू टॉप, ठीक है। तो आप साथ में एकदम नोट्स को भी बनाइए, नोट्स आपके साथ पढ़ना चाहिए और नोट्स आपका सेल्फ नोट होना चाहिए, ठीक है ना। आलसी की तरह नहीं कि आपको हम पीडीएफ दे दें आप उसको, उससे कोई फायदा नहीं होता है, कुछ नहीं होता आलसी, आप अपने हाथ से, क्योंकि पता होना चाहिए आपका जो नर्व आपके माइंड से कनेक्ट है, ये आप जो लिखोगे वो आपके माइंड से कनेक्ट है, ये जानिए, ठीक है। तो आप लिखिएगा तो वो चीज आपके माइंड में रिवाइज होगा, याद होगा, तो आपको नोट्स आपको साथ में बनाना है। तो आज हम बात करेंगे डायमेंशन के ऊपर, डायमेंशन एंड डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, डायमेंशन एनालिसिस कैसे होता है, क्या करते हैं, कैसे होता है। तो डायमेंशन है क्या, डायमेंशन और डायमेंशन फॉर्मूला का मतलब होता है, ध्यान दीजिए, हम ये जानते हैं इसमें कि फिजिकल क्वांटिटी किस किस फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलकर बना है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी किस फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलकर बना है। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ, ध्यान दीजिएगा, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ
एनी फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी मैं पी क्यू से लिखूंगा, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ, इन टर्म्स ऑफ बेसिक क्वांटिटीज, इन टर्म्स ऑफ बेसिक क्वांटिटीज दैट इज एम एल टी, ठीक है, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ बेसिक क्वांटिटीज एम एल टी इज नोन एज, इज नोन एज, इज नोन एज डायमेंशनल फॉर्मूला, इज नोन एज डायमेंशनल फॉर्मूला एंड एंड पावर ऑफ, एंड पावर ऑफ एम एल टी डॉट डॉट डॉट, मतलब करेंट टेम्परेचर, पावर ऑफ एम एल टी इज नोन एज, इज नोन एज डायमेंशन, उसके पावर को हम लोग क्या बोलते हैं डायमेंशन, और कंप्लीट एक फॉर्मूला एम एल टी के फॉर्म में बनेगा उसको बोलते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला, और एन का जो पावर होगा, एल का जो पावर होगा, टी का जो पावर, उसको बोलते हैं डायमेंशन। एक छोटा सा पहले एग्जाम्पल देखते हैं तो आपको हम समझाते हैं ये चीज। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं आपको, सपोज डेट एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग स्पीड, स्पीड इक्वल टू आप क्या जानते हो, डिस्टेंस अपॉन टाइम, हम एक एक का बताएंगे फिर से, पहले देखिए डिस्टेंस मतलब क्या, एक लेंथ, डिस्टेंस का मतलब क्या लेंथ, और टाइम क्या, टाइम मतलब टाइम, ठीक। तो स्पीड में क्या क्या है, लेंथ और टाइम, स्पीड किससे बना है, लेंथ से और टाइम से मिलकर बना आपका क्या स्पीड, इसमें मास नहीं है, इसमें टेम्परेचर का कोई योगदान नहीं है, इसमें करंट नहीं है, इसमें अमाउंट ऑफ सबस्टांस नहीं है, इसमें लुमिनस इंटेंसिटी नहीं है, इसमें क्या है लेंथ और टाइम। तो इसको लिख सकते हो, लेंथ के लिए हम लोग यूज कर ले सिंबल एल, और टाइम के लिए अगर सिंबल यूज कर ले टी, तो यहां से लिख सकते हैं एल टी माइनस वन। ये एल टी माइनस वन अगर स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हो, डायमेंशनल फॉर्मूला लिखने का तरीका है कि उसको आप स्क्वायर ब्रैकेट में लिखिए, तो ये चीज कहलाएगा डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ स्पीड, और स्पीड का डायमेंशन लेंथ में कितना, ये कहलाएगा, ये होगा डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ स्पीड, ये चीज कहलाएगा एल टी माइनस वन कहलाएगा डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ स्पीड, और स्पीड का डायमेंशन, डायमेंशन ऑफ स्पीड इन मास इज जीरो, मास में इसका कुछ नहीं, एम एल टी मास, एम टू दी पावर जीरो यहां लिख सकते हैं, डायमेंशन ऑफ स्पीड इन लेंथ इज वन, स्पीड का डायमेंशन लेंथ में कितना होता है वन होता है, एंड डायमेंशन ऑफ स्पीड इन टाइम इज माइनस वन। पावर कुछ भी हो सकता है, पावर निगेटिव भी हो सकता है, पावर पॉजिटिव भी हो सकता है, पावर वन बाय टू, वन बाय फ्रैक्शन में भी हो सकता है, ठीक है। तो ये डायमेंशन होता है, पहले समझिए, मतलब डायमेंशन में ये चीज समझते हैं हम लोग कि डायमेंशन कोई भी फिजिकल क्वांटिटी में क्या क्या चीज से मिलकर बना, दैट इज डायमेंशन, उसमें क्या क्या चीज का योगदान है, ये होता है आपका डायमेंशन। तो अभी मैंने सिंपल से एग्जांपल डायमेंशन, इस तरह से हम सेवरल एग्जांपल्स लेंगे। अब एक चीज समझिए, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का जो डायमेंशन होगा वो यूनिक होगा, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का जो डायमेंशन होगा वो यूनिक होगा, बट इट कैन बी एक्सप्रेस्ड या इट कैन बी मेजर्ड इन डिफरेंट वेज, उसको आप मेजर कर सकते हो डिफरेंट वेज में से। जैसे देखो ध्यान से, लेंथ अपॉन टाइम, अब लेंथ को आप मीटर में लिखिएगा टाइम को, तो आप स्पीड का यूनिट लिख सकते हो मीटर पर सेकंड, लेंथ को सेंटीमीटर में, टाइम को सेकंड में, तो आप लिख सकते हो स्पीड के लिए सेंटीमीटर पर सेकंड, सेम लेंथ सेम स्पीड को, स्पीड इक्वल टू लेंथ अपॉन टाइम, इसको आई होप आप लोग लिख लिए होंगे, ठीक है। मेरे साथ नोट्स जरूर बनाइए, नोट्स बहुत जरूरी चीज है, और कोई भी अगर डाउट हो आपको तो आप कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, मैं उसका डाउट को अगले वीडियो में क्लियर करूंगा, अगले वीडियो में सॉर्ट आउट करूंगा। आपका फीडबैक की मेरे सक्सेस का मंत्र है, आप जैसा फीडबैक दोगे हम वहां से और अच्छा करेंगे अपने आप को, ठीक है। तो स्पीड का मतलब होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस मतलब क्या लेंथ, लेंथ अपॉन टाइम दैट इज एल अपॉन टी, एल टी माइनस वन। तो डायमेंशनल फॉर्मूला ये हो गया एल टी माइनस वन, इसको अगर आप स्क्वायर कर दो दैट इज डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ स्पीड। तो यहां से लिख सकते हैं डायमेंशन ऑफ स्पीड इन मास, स्पीड का डायमेंशन मास में कितना है जीरो, डायमेंशन ऑफ स्पीड इन लेंथ में कितना है वन, पावर देखिए इसका पावर वन है, और टाइम का पावर कितना है माइनस वन है, और मास के अगर हम लिख सकते हैं एम टू द पावर जीरो। तो डायमेंशन ऑफ स्पीड इन मास इज जीरो, डायमेंशन ऑफ स्पीड इन लेंथ इज वन, डायमेंशन ऑफ स्पीड इन टाइम इज माइनस वन। इस तरह से डायमेंशन को लिखा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा डायमेंशन ऑफ, अगला पॉइंट नोट करके, डायमेंशन ऑफ
एनी फिजिकल क्वांटिटी इज यूनिक, डायमेंशन ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इज यूनिक, बट इट कैन बी मेजर्ड, बट इट कैन बी मेजर्ड इन डिफरेंट वेज, इन डिफरेंट वेज. डायमेंशन ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इज यूनिक, बट इट कैन बी मेजर्ड इन डिफरेंट वेज. बट इट कैन बी मेजर्ड इन डिफरेंट वेज. अभी जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया कि स्पीड का डायमेंशन क्या होता है, स्पीड का डायमेंशन क्या मैंने बताया, ऐसे लिखेंगे एल टी माइनस वन, दिस इज डायमेंशन ऑफ फॉर्मूला. अब स्पीड को लिख सकते हैं किसमें, आप मीटर पर सेकंड में. स्पीड को लिख सकते हैं किसमें, आप सेंटीमीटर पर सेकंड में. स्पीड को लिख सकते हैं किसमें, आप फुट पर सेकंड में. स्पीड को आप किसमें लिख सकते हैं, किलोमीटर पर आवर. कितने तरह से आप स्पीड को, लेकिन सबका डायमेंशन क्या होगा, एल टी माइनस. इट कैन बी मेजर्ड इन डिफरेंट वेज, इसको अलग अलग वे में मेजर कर सकते हो, बट अब उसका डायमेंशन क्या होगा, एल टी माइनस वन. ठीक है, तो हमारे पास सात फंडामेंटल क्वांटिटी है, सबके लिए डायमेंशनल सिंबल है. सबका डायमेंशन, लेंथ के लिए हम यूज करते हैं डायमेंशनल सिंबल एल, मास के लिए यूज करते हैं डायमेंशनल सिंबल कैपिटल, लेंथ के लिए एल, सॉरी अगर हम गलत बोल दिए तो, लेंथ के लिए डायमेंशनल सिंबल यूज करते हैं एल, मास के लिए डायमेंशनल सिंबल यूज करते हैं कैपिटल एम. ठीक है, टाइम के लिए हम लोग यूज करते हैं टी, टेम्परेचर के लिए यूज करते हैं हम लोग थीटा या के, इलेक्ट्रिक करंट की यूज करते हैं हम लोग आई और ए. ठीक है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए यूज करते हैं हम लोग सी डी, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए यूज करते हैं हम लोग मोल. ठीक है, तो वो डायमेंशनल सिंबल उसी से सबको एक्सप्रेस करते हैं. ठीक है, उसी से सबको एक्सप्रेस करते हैं. तो डायमेंशन, डायमेंशनल सिंबल ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, डायमेंशनल सिंबल ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल सिंबल हम लोग यूज करेंगे. कौन कौन सा है आप लोग, फर्स्ट वन इज लेंथ, सेकेंड वन इज मास, थर्ड वन इज टाइम, फोर्थ वन इज टेम्परेचर, फिफ्थ वन इज इलेक्ट्रिक करेंट, सिक्स्थ वन इज ल्यूमिनियस intensity, seventh one is amount of substance. ठीक है, length के लिए जो dimension symbol यूज होता है वो capital A, bracket में लोग use करते हैं. mass के लिए dimension symbol यूज होता है capital M, time के लिए symbol यूज होता है capital T, temperature के लिए symbol यूज होता है K और theta, electric current के लिए लोग use करते हैं A या फिर I, ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए यूज करते हैं हम लोग सी डी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए यूज करते हैं हम लोग, दिस इज द डायमेंशनल सिंबल. ये डायमेंशनल सिंबल यूज किया जाता है. लेंथ के लिए एल, कुछ नहीं है लेंथ एल, ये वाला एल, मास के लिए एम, टाइम के लिए, इसको याद करना तो कोई दिक्कत नहीं. दिक्कत यहां से टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, तो इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट एम्पियर होता है तो आपको याद हो जाएगा एम, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का जो यूनिट होता है वही, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का जो यूनिट है वही. ठीक है, तो दिस इज डायमेंशनल सिंबल ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी. अब हम कुछ डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन लिखना सीखेंगे. ठीक है, किस तरह से डायमेंशन, और समझिएगा वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो अगर आपको क्लियर हो जाएगा तो आप डायमेंशन किसी भी क्वांटिटी का आप लिखना जान जाओगे. लेकिन थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो यहां से दो चीज आपको फायदा होगा, एक तो आपको फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला याद हो जाएगा, और दूसरा यूनिट भी लिख सकते हैं डायमेंशन, आप वहां से उसका यूनिट भी लिख सकते हैं. तो हेडिंग लाइए डायमेंशन ऑफ या डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ सम फिजिकल क्वांटिटी, हेडिंग डालिए डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ सम फिजिकल क्वांटिटी, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ सम फिजिकल क्वांटिटी, कुछ फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे. देखिए एकदम नंबर वाइज करीबन 18-20 अभी बताऊंगा, उसके बाद कुछ हम कॉन्स्टेंट का बताएंगे, उसके बाद हम कुछ रूल्स बताएंगे डायमेंशन का. ठीक है, तो ये वीडियो बहुत थोड़ा लंबा होने वाला है, इसलिए आप नाश्ता वगैरह करके खा लो ना खा के बैठिएगा क्लास में. ठीक है, एकदम वीडियो को एक बार में पूरे कंप्लीट सीरीज, पूरे कंप्लीट वीडियो को एक बार में देखने को तो आपको ज्यादा समझ में आएगा. ठीक है, ब्रेक कर करके नहीं, ब्रेक करने से फिर फायदा नहीं है कुछ. तो डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ सम फिजिकल क्वांटिटी, फर्स्ट वन एरिया, एरिया
किसी का एरिया जो उसमें दो लेंथ का मल्टीप्लीकेशन है, जैसे देखिए एरिया ऑफ सर्किल की बात करेंगे तो वहां पे क्या होता है पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल की अगर बात करेंगे तो वहां पे क्या होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, एरिया ऑफ स्क्वायर का अगर बात करेंगे तो वहां पे क्या होता है साइड स्क्वायर, एरिया ऑफ ट्रायंगल का बात करें तो क्या होगा हाफ इनटू बेस टू, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर की बात करें तो क्या होगा फोर पाई आर स्क्वायर। किसी का एरिया की अगर बात करोगे किसी भी फील्ड तो वहां पे क्या है दो लेंथ का प्रोडक्ट, यहां पे देखिए आर इनटू आर, यहां पे भी दो लेंथ है, यहां पे भी लेंथ है, यहां पे भी दो लेंथ है, यहां पे भी क्या है आर टू टाइम्स है। तो अगर किसी का एरिया की बात करो तो एरिया का डायमेंशन क्या लिख सकते हो एल इंटू एल, दैट इज व्हाट एल स्क्वायर, एरिया का डायमेंशन क्या होगा एल स्क्वायर, इसको लिख सकते हो एम जीरो एल स्क्वायर टी टू दी पावर जीरो, मतलब एरिया का डायमेंशन मास में जीरो है, एरिया का डायमेंशन लेंथ में टू है, एरिया का डायमेंशन टाइम में जीरो है, और ये स्क्वायर ब्रैकेट में इसको लिखिएगा तो वो कहलाएगा आपका डायमेंशनल फॉर्मूला। तो मैं डायमेंशनल फॉर्मूला सम फिजिकल क्वांटिटी, कुछ फिजिकल क्वांटिटी जो मोस्टली यूज होगा और मैकेनिक्स में बहुत ज्यादा यूज करेंगे हम लोग। तो दिस इज फर्स्ट वन इज एरिया, सेकेंड वन इज वॉल्यूम। किसी की वॉल्यूम की बात करो तो क्या होगा तीन लेंथ का प्रोडक्ट होगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4 by 3 pi r cube, r 3 times है, उसी तरह से cube की बात करें तो l into b into h 3 times है, l into b into, breadth भी तो एक तरह का length ही है, height भी तो एक तरह का length है, अगर dimension नहीं उसकी बात करें तो वो आपका वही चीज है। तो volume के लिए क्या लिख सकते हो l into l, that is what l cube, आप इसको लिख सकते हो m 0 l cube t 0, m 0 l cube t 0, मतलब वॉल्यूम का डायमेंशन मास में जीरो है, वॉल्यूम का डायमेंशन लेंथ में थ्री है, और वॉल्यूम का डायमेंशन टाइम में भी कितना है जीरो। दिस इज डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम, ध्यान देना थोड़ा सा है सिंपल, आप सीख लोगे। यहां से आप यूनिट भी लिख सकते हो मीटर क्यूब, यहां से यूनिट लिख सकते हो मीटर स्क्वायर। अब देखिए एरिया को मैंने पॉइंट लिखवाया था कि डायमेंशन क्या है यूनिट, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन यूनिट को उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं अलग अलग यूनिट से। आप यहां पर आप एरिया के लिए आप यूज करते हो लेंथ स्क्वायर मीटर स्क्वायर भी, आप उसी एरिया को आप लिख सकते हो सेंटीमीटर स्क्वायर, उसी एरिया को लिख सकते हो फुट स्क्वायर, उसी एरिया लिख सकते हो इंच स्क्वायर, आप उसी एरिया लिख सकते हो किलोमीटर स्क्वायर। यहां पे वॉल्यूम आप लिख सकते हो मीटर क्यूब, आप लिख सकते हो सेंटीमीटर क्यूब, आप लिख सकते हो फीट क्यूब, समझ रहे हो सेम है क्वांटिटी लेकिन उसका डायमेंशन क्या होगा एल क्यूब होगा, उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं अलग अलग, आप उसको मेजर कर सकते हैं अलग अलग फॉर्म में लेकिन डायमेंशन तो एक ही होगा वॉल्यूम। थर्ड देखिए, थर्ड जो फिजिकल क्वांटिटी दैट इज डेंसिटी, थर्ड वन इज डेंसिटी। डेंसिटी इक्वल टू होता है मास बाय वॉल्यूम, फॉर्मूला भी बताते जा रहे हैं मास बाय वॉल्यूम। डेंसिटी क्या होता है मास बाय वॉल्यूम, मास एक फंडामेंटल क्वांटिटी और वॉल्यूम का डायमेंशन ये मैंने एल क्यूब बताया, तो यहां पर लिख सकते हैं एम अपॉन एल क्यूब, यानी क्या लिख सकते हैं एम एल माइनस थ्री, और इसको लिख सकते हो टी के फॉर्म में तो एम एल माइनस थ्री टी टू दी पावर जीरो। मतलब ये हुआ कि डेंसिटी का डायमेंशन मास में वन है, डेंसिटी का डायमेंशन लेंथ में माइनस थ्री है, डेंसिटी का डायमेंशन टाइम में कितना है तो जीरो है, ठीक है टाइम में कितना है तो जीरो, टाइम का कोई टर्म नहीं, मास में वन है लेंथ में माइनस थ्री है टाइम में जीरो है, दैट इज डेंसिटी। आप समझिए थोड़ा डेंसिटी की बात कर लेते हैं, अगर आप मास को लीजिएगा, देखिए ध्यान से समझिए थोड़ा सा, मास अपॉन वॉल्यूम, अगर आप मास को लेगो किलोग्राम में और वॉल्यूम को लोगे मीटर क्यूब तो डेंसिटी का क्या हो जाएगा किलोग्राम पर मीटर क्यूब, अगर आप मास को लोगे ग्राम में वॉल्यूम को लीजिएगा लेंथ को लीजिएगा से, तो यहां पर हो जाएगा वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब, तो आपका डेंसिटी क्या हो गया ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। देखिए ध्यान से, सेम फिजिकल क्वांटिटी डेंसिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं किलोग्राम पर मीटर क्यूब से हो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से भी कर रहे हैं, लेकिन डायमेंशन ml माइनस थ्री होगा। तो बार बार उस चीज को हम बताएंगे, कंफ्यूजन लोग बोलते हैं सर व्हाट इज द डिफरेंस ये डायमेंशन और यूनिट में क्या फर्क है, आप वहां से तो यूनिट भी लिख सकते हैं, क्यों यूनिट भी लिख सकते हैं मीटर के लिए, ये मास के लिए किलोग्राम, लेंथ के लिए मीटर, तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ये चीज समझिए, उसका सेवरल मेजरमेंट हो सकता है लेकिन डायमेंशन तो उसका यूनिक होगा, दैट इज डायमेंशन। नोट करते जाइएगा, ये आपका क्या है डेंसिटी। नेक्स्ट लिखिएगा फोर्थ वन इज स्पीड, फोर्थ वन इज स्पीड। स्पीड इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम,
स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस का मतलब क्या, लेंथ। डिस्टेंस का मतलब क्या, लेंथ। तो यहां से लिखे क्या, एल अपॉन टी। तो यहां लिखेंगे एल टी माइनस वन। तो मास वाला टर्म आप खुद समझ लीजिएगा, एम टू दी पावर जीरो है, मतलब स्पीड का डायमेंशन लेंथ में वन है और टाइम में माइनस वन। फिफ्थ देखिएगा वेलोसिटी। वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट भी इतना का लेंथ ही है। यहां से एल अपॉन टी, दैट इज एल टी माइनस, ध्यान दीजिएगा, स्पीड एंड वेलोसिटी है सेम डायमेंशन एंड सेम यूनिट, बट ये स्केलर क्वांटिटी और ये वेक्टर क्वांटिटी। आगे पढ़ाएंगे वेक्टर डायमेंशन खत्म करने के बाद। स्पीड और वेलोसिटी दोनों का डायमेंशन सेम है, दोनों का यूनिट भी सेम होगा, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, बट इट इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर। सिक्स नंबर पर हम बात करते हैं स्पीड वेलोसिटी देन आफ्टर लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम इक्वल टू व्हाट, मास इनटू वेलोसिटी। देखिए दो चीज सीख रहे हैं आप लोग, आप फॉर्मूला भी सिंपल याद कर रहे हैं, आपको फॉर्मूला भी हम याद करा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। सिर्फ मेरा काम नहीं डायमेंशन बताना, साथ में हम फॉर्मूला भी याद करा रहे हैं, ठीक है। डेंसिटी, मास एंड वॉल्यूम, बहुत लोगों को नहीं पता होगा, तो देखिए लीनियर मोमेंटम, ये चीज बहुत लोगों को नहीं पता होगा, मास इनटू वेलोसिटी इट इज लीनियर मोमेंटम। मास के लिए क्या यूज करते हैं, मास तो एक फंडामेंटल क्वांटिटी m, और वेलोसिटी को लिख सकते हैं लेंथ अपॉन टाइम। तो निकालना है वेलोसिटी, तो क्या होगा, lt minus 1, lt minus 1। तो यहां से लिखते हैं mlt minus 1, मतलब लीनियर मोमेंटम का डायमेंशन मास में 1 है, लीनियर मोमेंटम का डायमेंशन लेंथ में भी 1 है, लीनियर मोमेंटम का डायमेंशन टाइम में कितना, माइनस 1, दैट इज लीनियर मोमेंटम। क्लियर। सेवंथ वन होता है आपका एक्सीलरेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है एक्सीलरेशन, क्योंकि इससे फोर्स वगैरह का बताते हैं। एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन बराबर क्या होता है, वेलोसिटी, अगर डायमेंशनली बात करें तो वेलोसिटी अपॉन टाइम लिख सकते हैं, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है। आप अगर डायमेंशन के अनुसार बात करें तो वेलोसिटी अपॉन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी भी तो वेलोसिटी डायमेंशनली होगा। वन मीटर माइनस वन मीटर क्या होगा, जीरो। फाइव मीटर माइनस टू मीटर क्या होगा, थ्री मीटर होगा, 3 मीटर होगा। 10 मीटर माइनस 8 मीटर क्या होगा, 2 मीटर होगा। 20 मीटर पर सेकंड माइनस 5 मीटर पर सेकंड क्या होगा, 15 मीटर पर सेकंड ही तो होगा। तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब ये वेलोसिटी, वेलोसिटी का मैं डायमेंशन लिख चुका हूं, दैट इज lt माइनस 1, और टाइम के लिए यूज कर रहे हैं t, तो यहां से लिख सकते हैं lt माइनस 2, तो यहां पे हो जाएगा m0 lt माइनस 2, मतलब एक्सेलरेशन का डायमेंशन मास में जीरो होता है, लेंथ में वन होता है, टाइम में माइनस टू होता है। दिस इज डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन। ये सात बेसिक क्वांटिटी जिसको हम लोग यूज करेंगे काइनेमेटिक्स चैप्टर में। काइनेमेटिक्स वेक्टर पढ़ाने के बाद हम काइनेमेटिक्स से स्टार्ट करेंगे फिजिक्स का, तो वहां पे सात तो यूज होगा ज्यादा ज्यादा, मैक्सिमम यूज करेंगे। स्पीड तो यूज होगा, वेलोसिटी भी यूज होगा, लीनियर मोमेंटम यूज होगा, ये चारों क्वांटिटी वहां पे यूज होगा। स्पीड को अलग पढ़ेंगे, वेलोसिटी को पढ़ेंगे, एक्सेलरेशन को पढ़ेंगे, ठीक है। एक्सेलरेशन के बाद हम लोग बात करते हैं फोर्स के बारे में। एक्सेलरेशन की बात करेंगे हम लोग किसके बारे में, तो फोर्स के बारे में। वेरी इंपॉर्टेंट, फोर्स का डायमेंशन आप लोग याद कर लीजिएगा। एक नंबर पर स्टार्ट करते हैं फोर्स, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका याद रखिएगा आप लोग, बहुत जगह इसको यूज करेंगे, ठीक है, बहुत जगह इसको यूज करेंगे। फोर्स इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। मास तो फंडामेंटल, उस बारे में सोचना ही नहीं, मास तो फंडामेंटल, उस बारे में सोचना ही नहीं। तो मास के लिए एम, और एक्सेलरेशन के लिए क्या यूज करेंगे, एल टी माइनस टू, यानी क्या होगा, एम एल टी माइनस टू, मतलब फोर्स का डायमेंशन मास में वन है, फोर्स का डायमेंशन लेंथ में वन है, फोर्स का डायमेंशन टाइम में माइनस टू है। मतलब फोर्स में क्या क्या चीज है, फोर्स में मास है, कौन सा फंडामेंटल क्वांटिटी है, मास है, लेंथ है, टाइम है। मास में कितना, वन है, लेंथ में कितना, वन है, टाइम में कितना, माइनस टू है। दिस इज डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स। नाइन की बात करें तो वो इंपल्स, ठीक है, आपको हम फिजिक्स में, फिजिक्स के फिजिकल क्वांटिटी से भी रूबरू करा रहे हैं, ठीक है ना। बहुत चीज आप लोग नहीं जानते होंगे, अभी टेंथ पास किए हैं
टेंथ भी पास कर लिए बिना एग्जामिनेशन के इस बार, तो इस बार ध्यान दीजिएगा हर बार वो चीज नहीं होगा। और टेंथ ट्वेल्थ बोर्ड आप बिना एग्जामिनेशन के पास कर सकते हो, आई आई टी नहीं, आई आई टी तो आपका एग्जाम लेगा ही, नीट तो आपका एग्जाम लेगा ही, तो आप कॉम्पिटेटिव लेवल के बारे में सोचिए, आप सिर्फ बोर्ड के बारे में मत सोचिएगा, ठीक है कि हम तो पास कर ही जाएंगे उससे क्या, तो बोर्ड तो ऐसे ही पास हो सकता है, बिना पढ़े पढ़ो ही नहीं पास हो जाओगे, ये भी पॉसिबल, इसको समझिएगा थोड़ा सा, पढ़ाई एकदम कॉम्पिटेटिव लेवल के अनुसार सोचिए, लेकिन आप नहीं कर सोचिएगा तो आगे आपको बहुत दिक्कत होने वाला है, ठीक है, और ज्यादा टफ हो जाएगा कॉम्पिटिशन, ठीक है। नीट वगैरह कट ऑफ चेक कीजिए कितना रहता है, नीट आप लोग जानते हैं, आप लोग भी टेंथ पास किया तो जानिएगा, नीट और जेई कट ऑफ बहुत ज्यादा जाने लगा है क्योंकि कॉम्पिटिशन बहुत टफ हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इम्पल्स, इम्पल्स इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू टाइम, इम्पल्स इक्वल टू फोर्स इंटू टाइम, इम्पल्स इक्वल टू फोर्स इंटू टाइम, फोर्स इंटू टाइम, फोर्स क्या होता है, एम एल टी माइनस जो अभी निकाले मैंने फोर्स, और टाइम दैट इज टी, मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एम एल टी माइनस टू प्लस वन दैट इज माइनस वन। ध्यान देना, एक बार क्वेश्चन पूछा था नीट में कि चार ऑप्शन दिया था, उसमें बोला था कौन से दो पेयर है जिसका डायमेंशन सही है, तो देखिए ध्यान से, इंपल्स और लीनियर मोमेंटम पढ़ाया मेरे पीछे, दोनों का डायमेंशन सेम है, इंपल्स और लीनियर मोमेंटम दोनों का डायमेंशन आपको रखना नहीं है, आपको सीखना है, ठीक है। इंपल्स का भी यही है एम एल टी माइनस वन, और लीनियर मोमेंटम का भी यही है एम एल टी माइनस वन, ठीक है। तो इंपल्स, इंपल्स का कितना है एम एल टी माइनस वन, दिस इज इंपल्स, ठीक। टेंथ नंबर देखिए वर्क, वर्क भाव आप लोग पढ़े होंगे क्लास नाइन में, वर्क का फॉर्मूला, वर्क पावर एनर्जी पढ़ना है, वर्क इक्वल टू होता है क्या, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट दैट इज वर्क, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट को क्या बोलते हैं हम लोग, वर्क बोलते हैं। फोर्स का क्या होता है एम एल टी माइनस, देखिए बार बार फोर्स यूज होता है एम एल टी माइनस, याद नहीं रहेगा तो आप फोर्स का निकालोगे, ठीक है। तो फोर्स का याद रखो एम एल टी माइनस, और डिस्प्लेसमेंट के लिए याद करते हैं एल, तो यहां से हो जाएगा कितना एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, मतलब वर्क का डायमेंशन मास में वन है, वर्क का डायमेंशन लेंथ में टू है, वर्क का डायमेंशन टाइम में कितना है माइनस टू, दिक्कत यहां पर। देन आफ्टर 11 नंबर पे देखिए, तुम सब कुछ सीखिए एकदम सीरियल वाइज, एकदम पढ़ते जाइए, एक एक चीज का प्रैक्टिस कीजिए घर पे, एक बार नहीं होता समझ दोबारा फिर पढ़ेंगे, फॉर्मूला भी तो याद होगा साथ में हमारा, यूनिट भी तो याद होगा, सब चीज याद हो जाएगा मुझे, तो हमको पढ़ना वर्क, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क के बाद हम लोग बात करते हैं एनर्जी, एनर्जी आप कोई भी एनर्जी ले लो, काइनेटिक एनर्जी की बात करो, कोई भी एनर्जी, हालांकि कोई भी एनर्जी कैसा भी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, एक्वास्टिक्स एनर्जी, लाइट एनर्जी, कोई भी एनर्जी, सबका डायमेंशन सेम होगा, सबका यूनिट सेम होगा, ठीक है। मैकेनिकल एनर्जी कोई भी, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बेसिक फॉर्मूला बता देते हैं हाफ एम वी स्क्वायर, आप पोटेंशियल एनर्जी एमजीएच पढ़े होंगे क्लास नाइन में, उसका भी डायमेंशन सेम ही आएगा। हाफ एक नंबर है, नंबर का क्या होता है नो डायमेंशन, नंबर का डायमेंशन नहीं होता, नंबर का नो डायमेंशन, एम वी स्क्वायर, एम मतलब मास, तो एम, और वी दैट इज वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का क्या होता है एल टी माइनस वन का स्क्वायर, तो यहां से क्या हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, ठीक है। देखिए वर्क का और एनर्जी का दोनों का डायमेंशन सेम है, वर्क का और एनर्जी का दोनों का डायमेंशन सेम है, समझना क्या सर, वर्क और एनर्जी का दोनों का डायमेंशन सेम है, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, ये भी पूछ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट हैज सेम डायमेंशन, दे देगा वर्क एंड एनर्जी, टिक करिएगा, याद रहेगा, प्रैक्टिस करिएगा तब तो, नहीं तो फिर करो एक एक निकालो, थोड़ा सा ध्यान, थोड़ा स्पीड का भी टेस्ट होता है, आपकी स्पीड का भी चेक होगा, आप कितना माइंड लगाते हो, ठीक है हम बनाएंगे, एक ही क्वेश्चन बनाने में आप 10 मिनट लगा दीजिएगा, आपका कंपटीटर फास्ट बनाएगा, आप एक क्वेश्चन को 10 मिनट, वो बना देगा 4 क्वेश्चन को, 5 क्वेश्चन को, आप सोचिए क्या कहां चले जाएगी रैंक, कहां चले जाएगी, इसको भी समझिए। हाफ एक नंबर, नंबर का कोई डायमेंशन नहीं होता है, नंबर का कोई डायमेंशन नहीं, 200 नंबर है, 100 नंबर है, माइनस 1 है, माइनस 2 है, पाई है, ये सब नंबर है, नंबर का नो डायमेंशन, कोई डायमेंशन नहीं है, नंबर का नो डायमेंशन, डायमेंशन नहीं है इसका, डायमेंशन लेस, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, एनर्जी को एक्सप्रेस कर सकते हो, काइनेटिक एनर्जी रहे, पोटेंशियल एनर्जी रहे, मैकेनिकल एनर्जी हो, कोई भी एनर्जी हो, सबके लिए यही यूज होगा। आप एनर्जी को भी एक्सप्रेस कर सकते हो अलग अलग फॉर्म से, मैं उन्हीं बताते जा रहा हूं साथ में किस किस तरीके कर सकते हो, आप एनर्जी को जूल में एक्सप्रेस कर सकते हो, आप एनर्जी को कैलोरी में लिख सकते हो,
आप एनर्जी को किलोवाट आवर में एक्सप्रेस करते हैं, क्लास 10 में पढ़ना है किलोवाट आवर, ठीक है ना। 1 किलोवाट आवर इक्वल टू, ये चीज बढ़ाया गया 3.6 × 10⁶ जो ये सब चीज। आप एनर्जी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एक्सप्रेस कर सकते हो। एनर्जी को भी एक्सप्रेस करने का, मेजर करने का अलग अलग वे, लेकिन डायमेंशन तो एक ही होगा, ml²t-2, ठीक है, ml²t-2। तो ये आपका क्या है, एनर्जी, कोई भी एनर्जी हो सबके लिए यही डायमेंशन, ml²t-2। एनर्जी के बाद हम लोग देखेंगे 12 नंबर पे, बहुत इंपॉर्टेंट, दैट इज पावर। ये भी आ चुका है पावर। पावर इक्वल टू क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम। अगर बात करेंगे फॉर्मूला का तो वर्क अपॉन टाइम, ये सब क्वांटिटी क्लास 9 में पढ़ना है, पावर पढ़ना है। पावर इक्वल टू क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम। वर्क, अरे वर्क का तो भी लिखे मैंने, वर्क के लिए लिखा है मैंने, ml²t-2 अपॉन टाइम। टाइम का कितना होता है, टी होता है। तो क्या हो जाएगा, ml²t, ठीक है, डिवीजन में अगर बेस सेम हो तो -2 -1, दैट इज ml²t-3। आई होप मुझे विश्वास होगा कि आपको ये सब चीज पता होना चाहिए, ठीक है, तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। ml²t-2 और ये ऊपर जाएगा तो -1, ml²t-2, दिस इज डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ पावर। मतलब पावर का डायमेंशन मास में 1 है, पावर का डायमेंशन लेंथ में 2 है, पावर का डायमेंशन टाइम में -3 है, -3 है, This is power. अब पावर को भी एक्सप्रेस कर सकते हो किसमें, पहले तो आप देख सकते हो जूल पर सेकंड, उसी को क्या बोलते हैं, वाट बोलते हैं, WWT, आप उसको एक्सप्रेस करते हो, हॉर्स पावर, नाम सुने होंगे आप, ठीक है, हॉर्स पावर, ठीक है, पावर। उसके बाद आपका 13 नंबर पे आता है प्रेशर। यहां से एक क्वेश्चन हम कराएंगे, यहां से एक क्वेश्चन पूछा है प्रेशर से भी, प्रेशर से भी रिलेटेड। प्रेशर का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, फोर्स बाई एरिया। देखो फॉर्मूला भी याद हो रहा है ना, क्या क्या फॉर्मूला होता है, पावर वर्क अपॉन टाइम, प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स के लिए क्या यूज करते हैं, फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, ml²t-2 अपॉन एरिया का क्या होगा, l²। यहां से कितना हो जाएगा, ml₁-2, दैट इज -1t-2, दिस इज डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ प्रेशर। प्रेशर इक्वल टू फोर्स बाय एरिया, फोर्स का डायमेंशन ml₂-2, एरिया के लिए l²। ये ऊपर जाएगा तो ml₁-2 - 1 t⁻²। दिस इज प्रेशर। 14 नंबर क्वेश्चन, स्ट्रेस। ये नीट 2020 का क्वेश्चन है, स्ट्रेस पूछा था, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ स्ट्रेस। तो स्ट्रेस का भी फॉर्मूला वही है, फोर्स बाय एरिया। स्ट्रेस के लिए वही यूज करते हैं, फोर्स बाय एरिया, जो प्रेशर है। लेकिन प्रेशर एंड स्ट्रेस बोथ आर नॉट सेम क्वांटिटी, दोनों सेम क्वांटिटी नहीं है, सेम फिजिकल क्वांटिटी, दोनों का अलग अलग मीनिंग है। दोनों का यूनिट सेम होने से, फिजिकल क्वांटिटी दोनों अलग अलग चीजें हैं, ठीक है, यूनिट सेम है, डायमेंशन सेम है। अभी मैंने बात किया था स्पीड और वेलोसिटी, दोनों का यूनिट सेम है, दोनों का डायमेंशन सेम, बट स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, डायमेंशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। सेम चीज, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों का यूनिट सेम है, दोनों का यूनिट मीटर होगा, दोनों का डायमेंशन एल और एम होगा, बट डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। यहां पे बात करेंगे स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स बाय एरिया। फोर्स के लिए क्या यूज करते हैं, ml²-2, और एरिया का क्या यूज करते हैं, l²। सेम चीज, यहां से क्या हो जाएगा, ml₁-2 व्हाट, यहां से ml₁-2 दैट इज -1 t⁻²-2। This is dimension formula of stress. Very important. ये आ चुका है NEET 2020. ये NEET 2020 का सवाल है. चलिए. Next देखते हैं 15 number. 15 number में होता है strain. Strain. ये अभी तक नहीं आया है. NEET में हो सकता है आ जाए medical examination में. Strain. Strain होता है change in length upon ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन लेंथ। अभी मैंने बताया था चेंज लेंथ 10 m - 5 m, तो चेंज इन लेंथ कितना होगा, 10 - 5 = 5 m ही तो होगा, तो चेंज इन लेंथ यहां पे भी l होगा, यहां पे भी l होगा, यहां पे कितना होगा, l²⁰ होगा, या क्या होगा, m₀ l₀ t₀। तो स्ट्रेन क्या है, स्ट्रेन क्या होगा, यहां से ये क्लियर होगा कि एक डायमेंशन लेस डायमेंशन और यूनिट लेस, एंड यूनिट लेस क्योंकि ऊपर भी लेंथ है, मीटर मीटर खत्म, तो ये यूनिट भी नहीं इसके पास और इसका डायमेंशन भी नहीं।
आई होप इसको आप नोट कर लिए होंगे साथ में, अगर आप पैरेलली साथ में नोट लेंगे तो अभी आप नोट कर सकते हैं, ठीक है, हमें वीडियो पॉज करके आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी का मैंने डायमेंशन के बारे में बात किया आपको, बहुत कुछ इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी है जिसके मदद से हम लोग बहुत कुछ जान लेते हैं। एक तो फॉर्मूला याद हो जाता है, डायमेंशन तो होता ही है, उसके साथ साथ यूनिट भी हम लोग लिख सकते हैं इसका, ठीक है, ऐसा यूनिट हम लोग लिख सकते हैं। तो दिस इज स्ट्रेंथ, ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करेंगे डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ सम एंगुलर क्वांटिटी के बारे में। कुछ एंगुलर क्वांटिटी को होते हैं उसका डायमेंशनल फॉर्मूला हम लोग बात करें। क्लास टेंथ में कुछ फिजिकल क्वांटिटी लोग पढ़ते थे, चार्ज के बारे में पढ़ते थे क्लास टेंथ में, और पोटेंशियल के बारे में पढ़ते थे, और रेजिस्टेंस भी, लेकिन रेजिस्टेंस अभी हम नहीं पढ़ाएंगे, हालांकि ओम्स लॉ जानते हो तो बता सकते हैं। देखिए क्लास टेंथ में आप लोग पोटेंशियल पढ़े थे, देखिए क्लास टेंथ में 16 नंबर आई थिंक जो भी है 16 होगा, मुझे ध्यान नहीं है, पीछे आप लोग देख लीजिए नंबर से क्या दिक्कत है। तो हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट पोटेंशियल, या सबसे पहले चार्ज, चार्ज का डायमेंशन आप लोग क्लास टेंथ में पढ़े होंगे। चार्ज टेंथ में होता क्या है, करंट, करंट इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपॉन टी, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, टोटल चार्ज अपॉन टोटल टाइम, दैट इज करंट, एवरेज करंट हम लोग पढ़ते हैं। तो चार्ज क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, आई इंटू टी, आई करंट फंडामेंटल क्वांटिटी, टाइम भी क्या है फंडामेंटल क्वांटिटी, तो आप इसको चार्ज का डायमेंशन क्या लिख सकते हो, ए टी लिख सकते हो, करंट का डायमेंशन लोग ए यूज कर रहे हैं, टाइम का तो टी होता ही, तो चार्ज का डायमेंशन क्या हो गया, ए इंटू टी। एक और वहां पे वर्ड पढ़ना था आपको, क्वांटिटी पढ़ना था पोटेंशियल, पोटेंशियल वोल्टेज भी हम लिख रहे थे, पोटेंशियल डिफरेंस आपको पढ़ना है। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला आपको पढ़ाया गया होगा, वी इक्वल टू पढ़ाया गया होगा वर्क डन पर यूनिट चार्ज, आपको पढ़ाया गया होगा पोटेंशियल का फॉर्मूला क्लास टेंथ में पढ़ा होंगे, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। वर्क बराबर क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और चार्ज तो पता ही है, चार्ज क्यों, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन क्यू, फोर्स का आपको मालूम है एम एल टी माइनस टू, और डिस्प्लेसमेंट का कितना होता है एल, और चार्ज का मैंने क्या लिखा ए इंटू टी, तो यहां से आप पोटेंशियल का लिख सकते हो एम एल स्क्वायर, टी टू द पावर कितना माइनस टू माइनस वन माइनस थ्री, ए टू द पावर कितना माइनस वन, ये ऊपर जाएगा ना, तो ए टू द पावर माइनस वन। तो देखिए पोटेंशियल का डायमेंशन मास में वन है, पोटेंशियल का डायमेंशन लेंथ में टू है, पोटेंशियल का डायमेंशन टाइम में माइनस थ्री है, पोटेंशियल का करंट ए में कितना है माइनस वन, यहां से आप पोटेंशियल का भी लिख सकते हो। ये क्लास में इसने भी बता दिया, ठीक है, इलेवंथ में नहीं पढ़े, फिर ट्वेल्थ में पढ़ना है पोटेंशियल वाला है, बट आप जानिए टेंथ में तो पढ़े हैं पोटेंशियल। वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क इक्वल टू क्या होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन चार्ज क्यू, फोर्स का क्या होता है एमएल टी माइनस टू इंटू एल अपॉन ए टी, एम एल स्क्वायर टी टू द पावर माइनस टू ऊपर जाएगा माइनस थ्री, और ये ऊपर जाएगा तो ए टू द पावर माइनस, दिस इज डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल। एक चीज और पढ़े होंगे आप लोग रेजिस्टेंस, क्लास टेंथ में पढ़े होंगे ओम्स लॉ पढ़े होंगे, वी इक्वल टू आर इंटू आई, वी इक्वल टू आर इंटू आई, तो आर क्या होता है, आर होता है आपका रेजिस्टेंस, तो आर इक्वल टू लिख सकते हैं वी अपॉन आई, अभी पूरा डिटेल नहीं, हम डायमेंशन लिखना चाह रहे हैं, डायमेंशन कैसे लिखा जाता है अब वो बता रहे, जो आप क्लास 9 और क्लास 10 में पढ़े हैं वही फिजिकल क्वांटिटी के बारे में आपसे हम बात ही कर रहे हैं, और आगे कुछ नहीं बात कर रहे हैं। तो R इक्वल टू क्या होता है V अपॉन I, V क्या है पोटेंशियल, तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा इसका डायमेंशन देखिए ML स्क्वायर T माइनस थ्री ए माइनस वन अपॉन I, मतलब करंट दैट इज A, तो यहां से क्या हो जाएगा रेजिस्टेंस का ML स्क्वायर T माइनस थ्री ए माइनस वन, और ये ऊपर जाएगा तो माइनस वन क्या हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री ए माइनस टू, मतलब रेजिस्टेंस का डायमेंशन मास में वन है, लेंथ में टू है, टाइम में माइनस थ्री है, ए करंट में माइनस टू, दिस इज डायमेंशन ऑफ, कुछ नहीं आप ओम्स लॉ तो जानते हैं फॉर्मूला, ओम्स लॉ वी इक्वल टू आर इन टू आई, दिस इज फॉर्मूला, ठीक है। आर इक्वल टू क्या हो जाएगा वी अपॉन आई, वी क्या है पोटेंशियल, पोटेंशियल का भी मैंने निकाला एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री ए माइनस वन, ML square, T minus 3, A minus 1. और I क्या है? Current एक fundamental point है, सोचना ही नहीं है, direct A लिख दो उसके बारे में, या I से भी लिख सकते हो, I से भी express कर सकते हो, capital I से, तो यहां से हो जाएगा ML square, T minus 3, A minus 1, और ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा minus 1, तो A minus 2 हो जाएगा, ML square, T minus 3, A minus 1, this is dimension formula of resistance, ये resistance का dimension formula,
तो ये कुछ 18 मैंने फिजिकल क्वांटिटी बार आपको बताया, ठीक है, जिसको आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको भी याद, जैसे मुझे याद है आपको भी याद हो जाएगा, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं। अब हम लोग नोट करेंगे, अब हम लोग पढ़ेंगे कुछ एंगुलर क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखने का जानेंगे, जिसका यूज हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ या डायमेंशन ऑफ सम एंगुलर क्वांटिटीज, डायमेंशन ऑफ सम एंगुलर क्वांटिटीज, डायमेंशन ऑफ सम एंगुलर क्वांटिटीज, नोट कीजिए, मैं तीन बार बोल रहा हूं, आप नोट कर लीजिएगा, डायमेंशन ऑफ सम एंगुलर क्वांटिटीज, एंगुलर क्वांटिटीज। एंगुलर क्वांटिटी में सबसे पहला तो आता है एंगल ही, एंगल सबसे फर्स्ट इसमें क्या है, एंगल, ठीक ना, चाहे तो प्लेन एंगल हो चाहे तो सॉलिड एंगल हो, ठीक ना। आप लोग पढ़े होंगे कि एक आर्क है जिसकी लंबाई एल है और इसका रेडियस कितना आर है, ये कितना एंगल बन रहा है, थीटा एंगल बन रहा है, आर्क के थ्रू कितना एंगल बन रहा है, थीटा। तो आर्क लेंथ एल इज इक्वल टू पढ़ाया गया होगा आर इंटू थीटा, ट्रिग्नोमेट्री भी चल रहा होगा क्लास 11th का, ट्रिग्नोमेट्री। और ट्रिग्नोमेट्री के वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे मैथ्स वाले चैनल को आप देख सकते हैं, गौतम कुमार एबीसी क्लासेस के नाम से वो चैनल है, वहां से भी आप देख सकते हैं, ठीक है, वहां से आप ट्रिग्नोमेट्री के सारे वीडियोस, आप वहां पे 6-7 वीडियो ट्रिग्नोमेट्री का ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है, विद एनसीईआरटी एक्सरसाइज के साथ, ठीक है। तो एंगल थीटा क्या होता है, एल इज इक्वल टू आर, तो थीटा इक्वल टू कितना होता है, एल अपॉन आर, ठीक है, थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर, एल कितना, एल मतलब क्या, लेंथ, दैट इज एल, और आर कितना, आर क्या, रेडियस, रेडियस तो लेंथ, दैट इज एल, तो क्या होगा, एल टू दी पावर जीरो, इसको लिख सकते हैं एम जीरो एल जीरो टी जीरो, मतलब क्या है, ये डायमेंशन लेस है, यहां से क्लियर हुआ कि ये क्या है, डायमेंशन लेस है, लेकिन यूनिट नहीं, यूनिट तो है, यूनिट इसका क्या होता है, रेडियो, इसका यूनिट क्या होता है, रेडियो, ठीक है, इसका यूनिट होता है रेडियन। तो मैं आपको ध्यान दीजिएगा, इसके पहले मैंने जो बताया था उसमें स्ट्रेन वो डायमेंशन लेस था और यूनिट लेस था, लेकिन ये जो क्वांटिटी एंगल है इसका यूनिट होता है रेडियन और इसका डायमेंशन लेस है, डायमेंशन इसका नहीं होता, देखिए आपके सामने एम जीरो एल जीरो टी जीरो, तो ये हुआ आपका एंगल, ठीक है। एंगुलर क्वांटिटी में नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे एंगुलर वेलोसिटी के ऊपर, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे एंगुलर वेलोसिटी के ऊपर, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे एंगुलर वेलोसिटी, ध्यान दीजिएगा, वेलोसिटी इक्वल टू मैंने पहले बताया, वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। तो एंगुलर वेलोसिटी जिसको डिनोट करते हैं ओमेगा से, ओमेगा इक्वल टू, ओमेगा इक्वल टू होता है थीटा अपॉन टी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा अपॉन टी, अभी मैंने थीटा के बारे में बताया था, थीटा का क्या होता है, एम जीरो एल जीरो टी जीरो अपॉन व्हाट, टी, यहां पे क्या हो जाएगा, एम जीरो एल जीरो टी टू द पावर माइनस वन, दिस इज डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, एम जीरो एल जीरो टी टू द पावर माइनस वन। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एंगुलर एक्सीलरेशन, एंगुलर एक्सीलरेशन वहां पे होता है एक्सीलरेशन, यहां पढ़ेंगे एंगुलर एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, एंगुलर एक्सीलरेशन होता है चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम, डायमेंशनली अगर उसको लिखा जाए एंगुलर एक्सीलरेशन, अल्फा से डिनोट करते हैं तो ओमेगा अपॉन टी, ओमेगा अपॉन क्या होगा, एम जीरो एल जीरो टी टू द पावर माइनस वन अपॉन टी, यहां पे लिखेंगे एम जीरो एल जीरो टी टू द पावर वन माइनस टू, तो ये डायमेंशन किसका होगा, एंगुलर एक्सीलरेशन का, ये सब एंगुलर क्वांटिटीज है जो कि एंगल में लोग पढ़ेंगे, रोटेशन वगैरह में, सर्कुलर मोशन में, सर्कुलर मोशन में ये स्टडी करेंगे, फिर आगे रोटेशन में करेंगे। एक और फिजिकल क्वांटिटी हम पढ़ते हैं रोटेशन में पढ़ेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज टॉर्क, फोर्स के कारण मोशन होता है, टॉर्क के कारण बॉडी रोटेट करता है, ये जानिए कि टॉर्क मतलब रोटेशन इज ड्यू टू टॉर्क, रोटेशन इज ड्यू टू टॉर्क, तो टॉर्क बराबर होता है फॉर्मूला टाउ से डिनोट करते हैं, क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस, टॉर्क बराबर फोर्स इंटू डिस्टेंस, डायमेंशनली बात कर रहे हैं, अब वो देखिए आर क्रॉस एफ कुछ लोग आप लोग सुने होंगे तो अभी नहीं, फोर्स इंटू डिस्टेंस, फोर्स का क्या होता है, एम एल टी माइनस टू इंटू डिस्टेंस कितना होता है, एल, दैट इज व्हाट, ml स्क्वायर t माइनस टू, ये कुछ ऐसे चीज है जो कि एंगल में यूज होता है, ठीक है। तो टॉर्क क्या होगा, फोर्स इनटू डिस्टेंस, फोर्स का क्या, ml t माइनस टू, डिस्टेंस l, दैट इज ml स्क्वायर t माइनस टू,
एक और क्वांटिटी होता है यूज, बहुत ज्यादा यूज करते हैं हम लोग, ये हर जगह यूज होता है, फिफ्थ नंबर, दैट इज फ्रीक्वेंसी। आपको नाम सुने होंगे, फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर यूनिट टाइम, उसको मैथमेटिकली में बोलते हैं रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। तो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या होता है, वन अपॉन टी, फ्रीक्वेंसी होता है वन अपॉन टी। तो फ्रीक्वेंसी का क्या, वन अपॉन टी, तो टी टू द पावर माइनस वन, इसको लिख सकते हैं एम जीरो एल जीरो टी टू द पावर माइनस वन। जो डायमेंशन एंगुलर वेलोसिटी का होता है वही डायमेंशन देखिए फ्रीक्वेंसी का, एम जीरो एल जीरो टी टू द पावर माइनस वन। तो ये फ्रीक्वेंसी, ये कुछ फिजिकल पर जो एंगल के फॉर्म में होता है, ठीक है, एंगल के फॉर्म। और भी चीजें हैं जो कि हम लोग चैप्टर आएगा तो वहां पे तो हम बताएंगे ही, प्रॉपर चैप्टर में लिखना भी, डायमेंशन का एनालिसिस कर रहे हैं कि डायमेंशन लिखते कैसे, तो आपको यहाँ से आपको आइडिया एक लग जाएगा, ठीक है। और यहाँ से फॉर्मूला का भी आइडिया लगेगा, सिर्फ हम डायमेंशन नहीं फॉर्मूला भी समझे, क्योंकि फॉर्मूला नहीं पता है तो डायमेंशन आप कैसे लिख सकते हैं, आप नहीं लिख सकते, ठीक है। तो ये एंगल है। अब बात करेंगे हम लोग कुछ फिजिकल कॉन्स्टेंट की डायमेंशनल फॉर्मूला का, और एग्जाम में वही सब आता है, उससे आपका लॉ भी चेक हो जाता है, उसको लॉ पता है कि नहीं, कहां से वो फॉर्मूला वो सब चेक कर लेता है। तो कुछ फिजिकल कॉन्स्टेंट का हम लोग आप डायमेंशनल फॉर्मूला पढ़ेंगे, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ सम फिजिकल कॉन्स्टेंट, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ सम फिजिकल कॉन्स्टेंट, कुछ फिजिकल कॉन्स्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला का पाएंगे, ठीक है, ध्यान दीजिए, कुछ फिजिकल कॉन्स्टेंट का। देखिए होता तो बहुत ज्यादा फिजिकल क्वांटिटी, वही पढ़ेंगे जितना आपको अभी समझ में आ जाए, क्लास 11th के स्टूडेंट हैं आप लोग। देखिए फर्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट। अभी इसका वैल्यू क्या होता है वो मुझे नहीं जानना है, अभी ये वैल्यू पढ़ेंगे ग्रेविटेशन चैप्टर में, पढ़ना है क्लास 9 में भी पढ़ना है, पढ़ेंगे थोड़ा बहुत आप लोग, 11th तो बहुत अच्छे से पढ़ेंगे हम लोग। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट जिसको डिनोट करते हैं कैपिटल जी से, ठीक है, क्या होता है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहता है कि एफ जो होता है वो क्या होता है, जी एम वन एम टू बटा आर स्क्वायर, एफ इज प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस एंड एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। वहां से एक कॉन्स्टेंट आता है, दैट इज जी, ये क्या होता है, ये होता है आपका यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट। तो यहां से अगर जी लिखोगे तो जी इक्वल टू क्या लिखोगे, एफ आर स्क्वायर अपॉन एम वन इन टू एम टू। अगर डायमेंशन ऑफ जी का लिखो, डायमेंशन ऑफ एफ, डायमेंशन ऑफ आर स्क्वायर, डायमेंशन ऑफ एम वन, डायमेंशन ऑफ एम टू। एफ क्या है, फोर्स, तो फोर्स का तो याद करने के लिए बोले हैं एम एल टी, इतना हम बुलाएंगे याद दिला देंगे आपको, ऐसे ही याद हो जाएगा, ठीक है, एम एल टी माइनस वन। डिस्टेंस के लिए हम यूज करते हैं एल स्क्वायर, एम वन एम टू, ये मास है, ये भी मास है, तो यहाँ के लिए यूज करेंगे क्या, एम स्क्वायर, दो टाइम्स है मास, तो एम स्क्वायर। यहां से लिख सकते हैं एम माइनस वन एल क्यूब टी टू द पावर माइनस टू, दिस इज डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट। एम माइनस वन, एम माइनस वन, ठीक है, वन माइनस टू माइनस वन, एल क्यूब एंड टी टू द पावर माइनस टू, वेरी इंपॉर्टेंट, याद करिएगा, ठीक है, याद नहीं होगा कोई दिक्कत नहीं है, रटना नहीं है, नहीं याद होता कोई प्रॉब्लम नहीं, हम ये चीज जानते हैं ना, ये चीज तो नहीं भूलेंगे, और ये चीज भूलेंगे तो समझ लीजिए फिजिक्स का लॉ ही भूल रहे हैं, और लॉ भूल रहे हैं तो फिजिक्स पढ़ क्यों रहे हैं, तो ये चीज तो नहीं भूलना है ना, ये चीज ठीक है मुझे याद है, लेकिन अगर ये पता तो आप ये लिख सकते हो, अरे ये तो पता है ना कि एम एल टी होता है, ये सब चीज ये तो करना पड़ेगा। दिस इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट। नेक्स्ट हम लोग कॉन्स्टेंट की बात करेंगे, नेक्स्ट देखिएगा ध्यान से इसको बिठा रहे, एक और इंपॉर्टेंट है जो कि बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है, कहीं ना कहीं आप एग्जाम में आप देख लोगे, ठीक है, पहले तो बहुत ज्यादा एग्जाम होता था, हर सब का अलग एग्जाम होता था, स्टेट लेवल का अलग एग्जाम होता था, एआई ट्रिपल होता था, आईआईटी का अलग एग्जाम होता था, हर स्टेट का फिर होता था, केरला का अलग लेता था, मध्य प्रदेश का, अब धीरे धीरे एग्जाम क्या होगा कमती चला जा रहा है, ठीक है ना, आईआईटी का अब हो गया जेई मेन्स, फिर आपका जेई एडवांस हो गया, देखिए नीट में भी वही हुआ, एम्स का अलग होता था, नीट का अलग होता था, अब देखिए एम्स भी नीट के साथ ही हो, ठीक है। सेकेंड देखेंगे, सेकेंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो आपका है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कोएफिशिएंट इसका फॉर्मूला चैप्टर कह रहे हैं, इसका लेक्चर नंबर 1 में मैंने कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का यूनिट लिखना सिखाया था,
यूनिट, यहाँ पे उसका डायमेंशन लिखा सकते हैं। यूनिट पता डायमेंशन लगे ना क्यों अपना यूनिट, देखिए कॉन्सेप्ट को समझते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, दो तरीका से उसको बताएंगे, दोनों तरीका से देखते हैं रिजल्ट को सेम लाने की कोशिश करेंगे। एक होता है कि विस्कस फोर्स दो लिक्विड लेयर के बीच में, दो लेयर के बीच में जो विस्कस फोर्स होता है एफ होता है वो माइनस ईटा इंटू ए, ईटा होता है माइनस ईटा इंटू ए इंटू व्हाट, डेल्टा वी बटा डेल्टा जे, टीवी बटा डीजे भी बोलते हैं, टीवी बटा डीजे, डेल्टा वी बाई डेल्टा जे अभी हम बोल रहे हैं, ठीक है। इस फॉर्मूला से पहले बना होता है, एक और फॉर्मूला से हम निकालेंगे। एफ क्या होता है, विस्कस फोर्स, दो लिक्विड सर्फेस के बीच में सिर्फ सॉलिड में फ्रिक्शन नहीं होता है, लिक्विड सर्फेस में भी फ्रिक्शन होता है, उसको बोलते हैं विस्कस फोर्स। ईटा होता है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ए होता है एरिया, और डेल्टा वी होता है चेंज इन वेलोसिटी, डेल्टा जेड होता है लेंथ, और डेल्टा वी अपॉन डेल्टा जेड बोलते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट। ध्यान देना, वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से एक चीज क्लियर होता है, इसको बोलते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट। फिजिक्स में जब भी ऐसा चीज आए, फिजिक्स में जब भी आपका कोई भी फिजिकल क्वांटिटी लेंथ के रिस्पेक्ट में हो तो वो ग्रेडियंट कहलाता है, दिस इज नोन एज वेलोसिटी ग्रेडियंट। आप लोग क्लास 12th में पढ़िएगा, एक होता है E इक्वल टू होता है माइनस डीवी अपॉन डी आर, अभी याद दिला रहे, E होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, B होता है पोटेंशियल, R होता है डिस्टेंस, इसको बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट, इसको बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। फिजिक्स में दो तीन बार यूज होगा, मैग्नेटिक्स में भी यूज होगा, ठीक है। तो जब भी कोई फिजिकल क्वांटिटी डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में हो ना तो उसको ग्रेडियंट बोलते हैं, यहाँ पे वेलोसिटी ग्रेडियंट, ये पोटेंशियल है, ये भी वेलोसिटी नहीं है, कंफ्यूज मत होना, दिस इज पोटेंशियल, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट, दिस इज वेलोसिटी, यहाँ डेल्टा भी डीवी होता है बहुत स्मॉल के लिए, आगे पढ़िएगा, तो इसको बोलते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट। हमें तो निकालना है ईटा का, तो ईटा इक्वल टू क्या लिखोगे, ईटा इक्वल टू क्या लिखोगे, एफ इंटू डेल्टा जेड अपॉन ए इंटू डेल्टा वी, ईटा का। और डायमेंशन अगर लिखोगे ईटा का, तो डायमेंशन ऑफ ईटा इक्वल टू डायमेंशन ऑफ एफ इंटू डायमेंशन ऑफ डेल्टा जेड, डायमेंशन ऑफ एरिया इंटू डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी। फोर्स क्या है, एफ क्या है, फोर्स, तो क्या हो जाएगा एम एल टी माइनस टू, डेल्टा जेड क्या है लेंथ, तो क्या होगा एल होगा, E क्या है एरिया, क्या होगा एल स्क्वायर होगा, डेल्टा वी क्या है चेंज इन वेलोसिटी, क्या होगा एल टी माइनस वन, एल टी माइनस वन, एल इंटू एल एल स्क्वायर, और ये एल स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो क्या बचा रिजल्ट एम, ये ऊपर जाएगा एल माइनस वन, ये टी टू द पावर माइनस टू माइनस ऑफ माइनस वन। तुम एक ही चीज को समझिए, एम एल टू द पावर ये ऊपर जाएगा, ये तो कट गया ना, एल टू द पावर एल टू द माइनस वन, टी टू द पावर माइनस टू माइनस ऑफ माइनस, तो एम एल माइनस वन टी टू द पावर माइनस टू प्लस वन, दैट इज माइनस एम एल माइनस वन टी टू द पावर, ये एक तरीका होगा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशन निकालने का। एक दूसरा तरीका होता है, एक और तरीका होता है कि जब किसी स्फेरिकल बॉल को जिसका रेडियस आर है, जब किसी स्फेरिकल बॉल को, स्फेरिकल बॉल को, स्फेरिकल बॉल को जिसका रेडियस कितना है आर, इसका रेडियस कितना आर है, इसको वी वेलोसिटी से, वी वेलोसिटी से किसी फ्लूइड में मूव कराते हैं, इसमें विस्कस फोर्स होता है एफ वी इक्वल टू होता है सिक्स पाई ईटा आर वी, सिक्स पाई ईटा आर वी। जब किसी स्फेरिकल बॉल को जिसका रेडियस आर है इसको वी वेलोसिटी से किसी लिक्विड में, किसी फ्लूइड में मूव कराएंगे तो उसमें जो विस्कस फोर्स होता है वो 6 पाई ईटा आर वी होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान दीजिएगा, यहां से भी निकालते हैं, तो यहां से ईटा इक्वल टू क्या हो जाएगा एफ अपॉन 6 पाई आर इंटू वी, जहां एफ क्या होता है फोर्स, 6 पाई तो नंबर है, ईटा क्या है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, आर क्या है रेडियस ऑफ स्फीयर, वी क्या है वेलोसिटी, तो यहां से एफ, तो डायमेंशन जो लिखोगे इसका, तो डायमेंशन ऑफ फोर्स, डायमेंशन ऑफ सिक्स पाई इंटू डायमेंशन ऑफ आर इंटू डायमेंशन ऑफ वी, सिक्स पाई तो एक नंबर है तो इसका तो कोई डायमेंशन नहीं होगा, इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा, आप निशान से इसको काट दो, तो ईटा का डायमेंशन यहां लिख देते हैं, ईटा का डायमेंशन क्या होगा, फोर्स का डायमेंशन दैट इज एम एल टी माइनस टू अपॉन रेडियस दैट इज एल और वेलोसिटी दैट इज एल टी माइनस वन, यहां एक एल से एक एल गया, तो एम एल माइनस वन टी टू द पावर माइनस टू माइनस ऑफ माइनस वन, दैट इज एम एल माइनस वन टी टू द पावर माइनस टू प्लस वन, दैट इज माइनस वन, एम एल माइनस वन टी माइनस वन, एम एल माइनस वन टी माइनस वन, ध्यान दीजिए दोनों तरीका से, कहीं से निकालो, किसी फॉर्मूला से निकालो, क्या डायमेंशन थोड़ी चेंज हो रहा है, देखो इस थ्योरी से आए एम एल माइनस वन टी माइनस वन, इस थ्योरी से आए एम एल माइनस वन टी माइनस वन, देखो
आप कैसे भी एक्सप्रेस करो ना, डायमेंशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इज यूनिक बट इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन डिफरेंट वेज. डायमेंशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इज यूनिक बट इट कैन बी मेजर्ड इन डिफरेंट वेज. देखिए ध्यान से, दो अलग अलग तरीका से, दोनों का आंसर एम एल माइनस वन टी, यहां से एम एल माइनस वन टी माइनस वन. क्लियर? तो दिस इज नथिंग बट कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी. ये भी क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन, आप चेक कीजिए सारा क्वेश्चन आया क्वेश्चन आगे आएगा क्या. इसी सबसे क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन आजकल तो रिपीट भी हो रहा है, क्वेश्चन कहीं बाहर से नहीं आता है, इन्हीं सब कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन बनते हैं. ठीक है, आपको क्या है, आपको स्टडी करना है, रेगुलर स्टडी होना चाहिए. ठीक है, स्टडी करने का भी एक स्टडी प्लान बनाइए. ठीक है, कैसे हम स्टडी करें, किस तरह से रिविजन करें, किस तरह से पढ़ाई करें, कैसे हमारा कॉम्पिटेटिव, कैसे अपने आप को लोगों से अलग कर पाए, तभी आप सक्सेस हो पाओगे, नहीं तो नहीं हो पाओगे. ठीक है, थर्ड में देखिए कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के बाद हम लोग बात करते हैं एक फिजिकल क्वांटिटी दैट इज प्लैंक्स कांस्टेंट. प्लैंक्स कांस्टेंट ये भी आ चुका है. देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशन नहीं पूछा था, डायमेंशन थोड़ा सा चेंज करके पूछा था. क्या पूछा था, देखिए प्लैंक्स कांस्टेंट जिसको डिनोट करते हैं एक्स से, इसको डिनोट करते हैं किससे, एक्स से डिनोट करते हैं. ठीक है, एक्स से डिनोट करते हैं. क्या होता है प्लैंक्स कांस्टेंट जिसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल एस से करते हैं. होता क्या कि लाइट, मान लीजिए लाइट है, लाइट का एनर्जी कितना E है. ठीक है, उसकी फ्रीक्वेंसी F है. ठीक है, कोई लाइट है उसकी फ्रीक्वेंसी F है, तो उसका जो एनर्जी होता है E इक्वल टू H इंटू F होता है. फ्रीक्वेंसी को न्यू से भी एक्सप्रेस करते हैं, ध्यान देना. कोई लाइट है सोर्स ऑफ लाइट जिसकी फ्रीक्वेंसी F है या न्यू है, तो उसका जो एनर्जी होगा लाइट का वो कितना होगा, E इक्वल टू H इंटू F. ठीक है, हम लोग पढ़ते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ना है 12th वालों को. लाइट ऑफ सफिशियंट फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट ऑन अ मेटेलिक सरफेस देयर इलेक्ट्रॉन्स गेट्स इजेक्टेड फ्रॉम इट, उससे इलेक्ट्रॉन्स बाहर होता है, उसको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं. ठीक है, तो लाइट का फ्रीक्वेंस उसका एनर्जी कितना होगा, E इक्वल टू कितना होगा, H इंटू न्यू बोल सकते हैं, H इंटू F बोल सकते हैं. जहां ये क्या है फ्रीक्वेंसी, न्यू क्या है फ्रीक्वेंसी, ये आपका क्या है तो फ्रीक्वेंसी है, दिस इज फ्रीक्वेंसी, और ये क्या है आपका तो एनर्जी है, और एच क्या है आपका तो प्लैंक्स कांस्टेंट है जिसका निकालना है मेरे को. ध्यान देना, ये भी तो जानना है कि है क्या, आप कैसे निकालोगे जब तक जानोगे नहीं तो. ठीक है, तो इक्वल टू एच न्यू, न्यू क्या है फ्रीक्वेंसी, एच क्या है प्लैंक्स कांस्टेंट, ई क्या है एनर्जी, ऐसे निकालेंगे. एच इक्वल टू क्या लिखेगा, एच इक्वल टू लिखेगा ई अपॉन न्यू, एच इक्वल टू प्लैंक्स कांस्टेंट, एच इक्वल टू क्या लिखोगे ई अपॉन न्यू. मुझे तो याद हो गया, आपको भी याद हो गया, बताइए कमेंट बॉक्स में लिखिएगा. एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, ठीक है, अपॉन फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का मैंने क्या बताया टाइम इनवर्स, फ्रीक्वेंसी का ऐसा फॉर्मूला टी इनवर्स होता है. ठीक है, आपको नहीं पता एनर्जी का टर्म, एनर्जी का जो वर्क होगा वही एनर्जी का होगा, वर्क क्या क्या होगा फोर्स इंड्यूस्ड, फोर्सेस फोर्स का क्या होता है एमएल टी माइनस टू, क्वेश्चन आया था एंगुलर मोमेंटम और प्लैंक्स कांस्टेंट के बीच के डायमेंशन का रेशियो पूछा. एंगुलर मोमेंटम प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशन फॉर्मूला h इज इक्वल टू ml स्क्वायर t माइनस 1, h का ml स्क्वायर t माइनस 1. ये क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट नहीं पूछेगा कि राइट द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट, क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि एंगुलर मोमेंटम और प्लैंक्स कांस्टेंट के डायमेंशन का रेशियो पूछ देगा. देखिए क्लास 11 के एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ना है हम कि बोल्स थ्योरी पढ़ना है, वहां पे बोला जाता है कि इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में मूव करता है उसका जो एंगुलर मोमेंटम होना चाहिए L इज इक्वल टू होना चाहिए इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच बाई टू पाई. ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, एंगुलर मोमेंटम होना चाहिए इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच बाई टू पाई. एन यहाँ पे एन क्या होता है तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है, ये एक नंबर है, और टू पाई भी क्या है एक नंबर है, तो ये नंबर, ये नंबर, नंबर का कोई डायमेंशन नहीं होगा. डायमेंशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम एल एंगुलर मोमेंटम लेंथ मत समझ लेना, is equal to dimension of h होगा. तो dimension of angular momentum और dimension of h क्या होगा, same होगा. तो angular momentum का कुछ निकालने का जरूरत
नहीं रहेगा कि क्या फॉर्मूला, बिना फॉर्मूला आप एक बार प्लैंक्स कांस्टेंट का समझ लीजिएगा तो एल इज इक्वल टू आर से आप डायमेंशन ऑफ एच का भी निकाल लीजिएगा। तो ये तीसरा मैंने बताया, तीसरा कांस्टेंट दैट इज प्लैंक कांस्टेंट। फोर्थ वन देखिएगा, एक होता है आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस होता है पीवी इक्वल टू एन आर टी, ठीक है। आर होता है आपका गैस कॉन्स्टेंट, उसका भी डायमेंशन पूछता है, ठीक है। तो फोर्थ वन देखिएगा गैस कॉन्स्टेंट का, उसके लिए फॉर्मूला होता है पीवी इज इक्वल टू एन आर टी। P होता है प्रेशर, V होता है वॉल्यूम। ये जानना जरूरी है कि होता क्या है, P को पावर मत समझ लेना। P होता है प्रेशर, V होता है वॉल्यूम, V आपका वॉल्यूम होता है, R होता है आपका गैस कांस्टेंट, R इज योर गैस कांस्टेंट, R गैस कांस्टेंट होता है, T आपका टेम्परेचर होता है, T आपका टेम्परेचर होता है, ठीक है। N होता है नंबर ऑफ मोल्स, n होता है नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। आपसे पूछेगा r का, तो r इज इक्वल टू क्या लिखोगे, r इक्वल टू लिखोगे कितना बताइए, pv अपॉन क्या लिखोगे, n इनटू t, r इज इक्वल टू pv अपॉन वेयर। अगर डायमेंशन r का, तो r का डायमेंशन क्या होगा, डायमेंशन ऑफ p इनटू डायमेंशन ऑफ v अपॉन डायमेंशन ऑफ n इनटू डायमेंशन ऑफ t, वेयर p क्या है यहां पे, प्रेशर है। p क्या है, प्रेशर है। तो प्रेशर का डायमेंशन क्या होता है, प्रेशर का फार्मूला क्या होता है, प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स बाई एरिया होता है। और वी क्या है, वॉल्यूम है, वी वेलोसिटी मत समझ लेना। एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स है, टी क्या है, टेम्परेचर है। यहां से प्रेशर का लिखोगे तो फोर्स बाई एरिया, फोर्स का क्या होता है एम एल टी माइनस टू, और एरिया का क्या होता है एल स्क्वायर। यहाँ पे वी क्या है, वॉल्यूम, वॉल्यूम का क्या होता है एल क्यू, एन क्या है नंबर ऑफ मोल, यहाँ पे होता है मोल, और टी का क्या होता है टेम्परेचर, टेम्परेचर का क्या होता है तो आपका क्यू होता है, टेम्परेचर का क्यू होता है। तो यहां से आप कैलकुलेट कर सकते हो एल टू दी पावर थ्री, एल टू दी पावर वन, एल टू दी पावर फोर अपॉन एल टू दी पावर टू हो जाएगा, ये तीन एक चार, ठीक है ना। तो एम एल हम कंप्लीट कर लेते हैं, फोर एम एल स्क्वायर टी टू दी पावर माइनस टू अपॉन व्हाट मोल इनटू कितना के। तो यहां से आप डायरेक्ट लिख सकते हो एम एल स्क्वायर टी टू दी पावर माइनस टू के टू दी पावर माइनस वन, और क्या लिखोगे, दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ, दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ गैस कॉन्स्टेंट। इसमें क्या क्या है, देखिए इसमें लेंथ भी है, इसमें मास भी है, इसमें टाइम भी है, इसमें टेम्परेचर भी है, इसमें मोल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, देखिए कितना चीज अमाउंट, ये नंबर ऑफ मोल्स होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मोल में हम लोग करते हैं ये चीज। तो ये गैस कॉन्स्टेंट का पीवी इक्वल टू एन आर टी का है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं। तो ये कुछ कॉन्स्टेंट्स है जिसका हम लोग डायमेंशन इस तरह से निकालते हैं, ठीक है। क्या चीज इसमें सीखा है, कांस्टेंट का डायमेंशन आप तभी निकाल सकते हो जब आपको सही फॉर्मूला पता रहे। आपको अगर सही फॉर्मूला नहीं पता है तो आप नहीं निकाल सकते। मैं एक एग्जांपल और देता हूं, मैं एक एग्जांपल देता हूं, इसको नोट कर लीजिए सबको, मैं एक एग्जांपल और देता हूं आपको। एक और क्वेश्चन पूछा था, एक और क्वेश्चन पूछा था कि फाइंड द डायमेंशन ऑफ, लेकिन चीज मालूम रहेगा तो, ये इलेवंथ के स्टूडेंट के लिए क्वेश्चन नहीं है क्योंकि इलेवंथ वाला जी नहीं समझ पाएंगे ये चीज। आप जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, कभी सुने होंगे तो, बट एक क्वेश्चन आया था कि फाइंड द डायमेंशन ऑफ, ध्यान देना, फाइंड द डायमेंशन ऑफ, फाइंड द डायमेंशन ऑफ वन अपॉन अंडर रूट ऑफ म्यू नॉट इनटू एप्सिलॉन। ये ट्वेल्थ वाले समझेंगे थोड़ा सा। म्यू नॉट क्या होता है, परमेबिलिटी कांस्टेंट ऑफ फ्री स्पेस, एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो ये पता होना चाहिए, इससे ही फॉर्मूला, आप म्यू नॉट का निकालने जाओगे, एप्सिलॉन नॉट का निकालने जाओगे, आप थक जाइएगा, आप गलत भी करने का चांसेस आपका, और थकिएगा तो नहीं लेकिन एग्जाम में दो चार क्वेश्चन छूट जाएगा, ठीक है। तो आपको सही फॉर्मूला पता होना चाहिए कि वन अपॉन अंडर रूट ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन होता क्या है। ये क्या होता है, ये स्पीड ऑफ लाइट होता है, वन अपॉन अंडर रूट ऑफ म्यू नॉट इनटू एप्सिलॉन होता है सी, ये होता है स्पीड ऑफ लाइट होता है किसमें बाबू, इन वैक्यूम में, इन वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट किसमें होता है, इन वैक्यूम में होता है, वन अपॉन अंडर रूट ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। अब आपको पता हो जाएगा, अब जो स्पीड का होगा डायमेंशन वही अपॉन अंडर रूट म्यू नॉट इनटू एप्सिलॉन नॉट होगा। तो स्पीड का डायमेंशन कितना होगा, एल टी माइनस वन होगा, पढ़ाया है, यानी डायमेंशन ऑफ वन अपॉन व्हाट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट क्या होगा, एल टी माइनस वन होगा, एल टी माइनस वन होगा, एल टी माइनस वन होगा। क्या हुआ, इससे क्या सीखे कि अगर आपको सही फॉर्मूला पता है तो आप बनाइएगा, नहीं तो आपसे नहीं बनेगा। इट इज फॉर नॉट फॉर क्लास 11th, दिस क्वेश्चन इज फॉर 12th। जो भी वैसे स्टूडेंट जो मैग्नेटिक वगैरह कुछ पढ़े हैं,
मैग्नेटिक्स वगैरह अगर पढ़ रहे होंगे आप लोग, अभी आप लोग हमको नहीं लग रहा करंट इलेक्ट्रिसिटी यानी पढ़ रहे जो भी जो पढ़ रहे होंगे तो उनका थोड़ा सा इनको पता होगा। एक्सेलर नॉट तो फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ना है तो वो आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग रहा होगा। एक और इसी तरह का क्वेश्चन पूछता है, ध्यान दीजिएगा, हम बताते हैं अभी ट्वेल्थ वाले के लिए, इलेवंथ के लिए नहीं है ये चीज। ट्वेल्थ के लिए लिखिए फाइंड द डायमेंशन ऑफ, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, फाइंड द डायमेंशन ऑफ 1/2 एप्सिलॉन नॉट इनटू ई स्क्वायर, 1/2 एप्सिलॉन नॉट इनटू ई स्क्वायर। अब आप सोचिएगा कि चलो पहले एप्सिलॉन नॉट का निकालते हैं, ई क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का निकालते हैं तब जाके इसका डायमेंशन लिखिएगा, फिर से वही गलती कर बैठे हो। आपको पता होना चाहिए कि 1/2 एप्सिलॉन नॉट इनटू ई स्क्वायर होता क्या है। तो 1/2 एप्सिलॉन नॉट इनटू ई स्क्वायर क्या होता है, ये होता है एनर्जी डेंसिटी, ये होता है एनर्जी डेंसिटी किसमें होता है, इन द रीजन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये होता है एनर्जी डेंसिटी इन द रीजन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब एनर्जी डेंसिटी का मतलब एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, यू अपॉन वी, यू क्या है एनर्जी है और वी क्या है वॉल्यूम है, इन द रीजन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये पता होना चाहिए कि ये होता है एनर्जी डेंसिटी, यू अपॉन वी होता है। अब बता लीजिए यू अपॉन वी निकालिए, यू क्या एनर्जी है, एनर्जी का डायमेंशन लिखने के लिए याद होना चाहिए क्या होता है ml स्क्वायर t माइनस 2 अपॉन वॉल्यूम का कितना होता है, वॉल्यूम का l क्यूब होता है, यानी कितना होगा ml, 2 माइनस 3 कितना होगा माइनस 1 और t टू द पावर कितना होगा माइनस 2। दिस इज द आंसर, ml माइनस 1 t माइनस 2, ये आपका आंसर हो जाएगा एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। तो आपको सही फॉर्मूला पता रहेगा तो आप कर लोगे, आपको सही फॉर्मूला पता रहेगा तो आप इसको कर लोगे, हाफ एप्सिलॉन नॉट इनटू ई स्क्वायर। ये सब क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन आता है डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ, ध्यान दीजिएगा, डायमेंशन ऑफ आर इंटू सी, ये मालूम नहीं रहेगा तो कर पाओगे क्या, नहीं कर पाओगे। रेजिस्टेंस का अलग निकालोगे, कैपेसिटेंस का अलग निकालोगे, पता चला 2-3 क्वेश्चन छोड़ के ही तुम चला, तो फायदा क्या होगा, कुछ नहीं होगा। आर इंटू सी का ये करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ना है, करंट इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटर में ये पढ़ना है, चार्जिंग और कैपेसिटर में आर सी सीरीज सर्किट। आपको पता होना चाहिए आर इंटू सी जो होता है, R into C जो होता है वो टाइम कांस्टेंट होता है। R into C मतलब जो डायमेंशन टाइम का होगा वही डायमेंशन R into C का होगा। RC सर्किट में जो टाइम कांस्टेंट होता है वो R into C होता है, मतलब जो डायमेंशन टाइम का होगा वही डायमेंशन R into C का है। तो आपको पता रहेगा तब तो आप डायरेक्ट लिख दोगे डायमेंशन ऑफ RC इक्वल टू व्हाट टी, ये तुरंत आपका आंसर यहां से पता चल जाएगा। जिनको नहीं पता होगा वो रेजिस्टेंस का पहले निकालेंगे, उसके बाद कैपेसिटेंस का निकालेंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे, तो उनका टाइम ही आने का तो वही है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि R into 6 C का टाइम कांस्टेंट होता है। ये उन बच्चों के लिए है जो ट्वेल्थ का एग्जाम देंगे या वो भी अभी नहीं पढ़े, जो ट्वेल्थ दे चुके होंगे, जो तैयारी कर रहे हैं वो सब, उन बच्चों के लिए सब चीज हम क्वेश्चन करा रहे हैं। आर इंटू सी टाइम कॉन्स्टेंट होता है। इसी तरह से एल आर सर्किट, एल होता है इंडक्टर और एल आर सर्किट, एल होता है इंडक्टर और आर होता है आपका रेजिस्टर। तो एल आर सर्किट में एल बाई आर टाइम कॉन्स्टेंट होता है, एल बाई आर का डायमेंशन वही होगा जो टाइम का डायमेंशन होगा, एल बाई आर का डायमेंशन वही होगा जो टाइम का डायमेंशन होगा। तो ये सब कुछ चीजें हैं, इस तरह के कुछ क्वेश्चन जिसकी प्रैक्टिस हम प्रैक्टिस में कराएंगे, ठीक है। तो ये डायमेंशनल फॉर्मूला हम लोग पढ़ते हैं इस तरह से। अब तो हमने अभी तक जो बताया, हमने कुछ फिजिकल कॉन्स्टेंट का डायमेंशन बताया और कुछ फिजिकल स्टैंडर्ड फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन होता है। अब हम कुछ रूल्स आपको पढ़ा रहे हैं, क्या रूल्स है डायमेंशन वगैरह के लिए, तो ठीक है। रूल्स देखिए, रूल्स फॉर डायमेंशन, सम इंपॉर्टेंट रूल्स फॉर डायमेंशन, ध्यान दीजिएगा, सम इंपॉर्टेंट रूल्स फॉर डायमेंशन, सम इंपॉर्टेंट रूल्स फॉर डायमेंशन, some important rules for dimension, कुछ important rules हैं dimension के, समझिए। rule number one क्या होता है, addition और subtraction आपको पता होना चाहिए similar quantity का होता है, addition और subtraction किसका होता है तो similar quantity का होता है, ठीक है। ये भी add और subtract, जैसे देखिए मान लीजिए a plus b minus c equal to p है, ये तभी आप लिख पाओगे जब सबका डायमेंशन सेम, मतलब डायमेंशन ऑफ p मस्ट बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ a मस्ट बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ b मस्ट बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ c, ठीक है। आप एडिशन
आप कभी भी क्या लिख सकते हो 5 kg + 2 meter, नहीं पॉसिबल ही नहीं है, लिखना ही गलत है। दो अलग अलग क्वांटिटी का एड आप कर ही नहीं सकते। आप क्या लिख सकते हो 5 meter + 5 second, नहीं लिख सकते। आप क्या लिखोगे 5 meter + 12 meter = 70 meter, आप लिख सकते हो 12 meter - 2 meter = 10 meter, आप ये सही है। ये क्या सही है? नहीं, ये क्या सही है? मतलब एडिशन और सब्ट्रैक्शन क्या होगा? सिमिलर क्वांटिटी का होगा और रिजल्ट भी वही सिमिलर क्वांटिटी होगा। एडिशन और सब्ट्रैक्शन सिमिलर क्वांटिटी का होगा और रिजल्ट भी क्या होगा? सिमिलर क्वांटिटी। एडिशन और सब्ट्रैक्शन सिमिलर क्वांटिटी का होगा और उसका रिजल्ट, मतलब velocity + velocity = velocity, speed + speed = speed, mass + mass = mass, time + time = time, mass - mass = mass, 10 kg - 2 kg = 8 kg, 15 kg - 10 kg = 5 kg, 2 ampere + 3 ampere = 5 ampere। आज समझ में आ रहा है वेलोसिटी? हाँ, वेक्टर क्वांटिटी को जोड़ने का तरीका अलग है, मैं उस पर बात ही नहीं कर रहा हूं। मैं अभी एडिशन, वेक्टर का एडिशन की बात नहीं कर रहा, हम बोल रहे हैं कि अच्छा वेक्टर एडिशन मतलब वेक्टर प्लस वेक्टर, दैट इज ओनली क्वांटिटी सेम होना चाहिए। तो रूल नंबर 1 क्या कहता है? रूल नंबर, इसको बहुत किताबों में प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के नाम से जानते हैं, उतना सिंपल, एकदम सिंपल फिजिक्स को समझिए। रूल नंबर 1 कहता क्या है कि अगर मान लीजिए a + b - c = p है, ये तभी पॉसिबल है जब dimension of p = dimension of a = dimension of b = dimension of c। आप ये तभी लिख सकते हो अगर ये चारों का तभी लिख सकते हो, अदरवाइज आप इसको नहीं लिख सकते, ठीक है? आप इसको नहीं लिख सकते। डायमेंशन अगर किसी का भी गलत है, नहीं है, तो मतलब वो गलत है, फिर वो पॉसिबल ही नहीं। आप एक ही तरह सिंगल क्वांटिटी, ये भी मास होगा, ये भी मास होगा, ये भी मास होगा, रिजल्ट भी मास होगा, ये भी लेंथ होगा, बी भी लेंथ होगा, सी भी लेंथ होगा, रिजल्ट भी लेंथ होगा, ए टाइम होगा, बी टाइम होगा, सी टाइम होगा, इसका रिजल्ट भी टाइम होगा, ए करंट होगा, बी करंट होगा, सी करंट होगा, रिजल्ट भी करंट होगा, ए फोर्स होगा, बी फोर्स होगा, सी फोर्स होगा, उसका रिजल्ट भी एक फोर्स होगा। ये हम समझाना चाह रहे हैं। अब यहां से सवाल क्या बनता है, यहां से क्वेश्चन देखिए क्या होता है। इफ वी इक्वल टू, पहला क्वेश्चन, इफ वी इक्वल टू एटी प्लस या इफ वी इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन टी प्लस सी। ध्यान दीजिएगा, v क्या है? वेयर v वेलोसिटी और t टाइम है। जहां v क्या है? वेयर v आपका वेलोसिटी है और t क्या है? आपका टाइम है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा फाइंड द डायमेंशन ऑफ a b एंड c। आपको a b और c का डायमेंशन बताना, ध्यान देना। क्वेश्चन दे रहा है कि v इक्वल टू a प्लस v अपॉन t प्लस c, फाइंड द डायमेंशन ऑफ a b एंड c। साफ यहां दिख रहा है कि v वेलोसिटी है और t टाइम है। अगर ये टाइम है तो c भी टाइम होगा। पहले लॉजिक, पहले चीज, ये दोनों का एडिशन है, t प्लस c है, जहां t क्या है? टाइम है, यानी c भी एक तरह का क्या होगा? टाइम होगा। किसी इक्वेशन में मान लिया जाता है l प्लस अल्फा, किसी इक्वेशन में होता है l प्लस अल्फा। अगर l लेंथ है तो अल्फा भी लेंथ होगा। किसी इक्वेशन में आता है f प्लस अल्फा, अगर f फोर्स है तो अल्फा भी फोर्स होगा। किसी क्वेश्चन में आता है f माइनस बीटा, अगर f फोर्स है तो बीटा भी फोर्स होगा। किसी क्वेश्चन में होता है x प्लस बीटा, अगर x लेंथ है तो बीटा भी लेंथ होगा, क्योंकि लेंथ प्लस लेंथ इक्वल टू लेंथ और रिजल्ट उसका लेंथ होगा। तो यहां पे t टाइम है तो c भी टाइम होगा, यानी डायमेंशन ऑफ c मस्ट बी इक्वल टू क्या? टी। ये बात साफ क्लियर चल रही है। ए बी सी का पूछ रहा है तो सी का डायमेंशन क्या होगा? जो टाइम का डायमेंशन। अच्छा, एक टर्म ये है, दूसरा टर्म ये है, तीसरा टर्म ये है। डायमेंशन ऑफ वी मस्ट बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ ए, डायमेंशन ऑफ वी मस्ट बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ ए, डायमेंशन ऑफ वी मस्ट बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ ए। ये सही तभी माना जाएगा, ये सही तभी माना जाएगा, ये सही तभी माना जाएगा जब v का डायमेंशन a का डायमेंशन और b अपॉन t प्लस a तीनों का डायमेंशन सेम हो। ये एक टर्म मान लो, ये एक दूसरा टर्म हो, और इस पूरे को एक टर्म मान लो, पूरे को एक टर्म मान लो, ठीक है? तो डायमेंशन ऑफ c इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ t, ये तो क्लियर हो गया। डायमेंशन ऑफ v इक्वल टू डायमेंशन ऑफ a, देयरफॉर डायमेंशन ऑफ a क्या होगा? डायमेंशन ऑफ a इक्वल टू डायमेंशन ऑफ v। v मतलब क्या?
एल टी माइनस वन, ठीक है। तो डायमेंशन ऑफ ए निकल गया एल टी माइनस वन। सेम तरीका से इसी तरह से लिख सकते हैं डायमेंशन ऑफ वी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ बी अपॉन टी प्लस सी, डायमेंशन ऑफ वी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ बी प्लस वी अपॉन टी प्लस सी। हमें ए का, मैंने सी का डायमेंशन निकाल लिया, मैंने ए का डायमेंशन निकाल लिया, अब हम निकालेंगे बी का डायमेंशन। तो बी का डायमेंशन क्या होगा, देखो ध्यान से, डायमेंशन ऑफ वी दैट इज एल टी माइनस वन इक्वल टू हमको बी का डायमेंशन निकाला अपॉन ये टाइम है और सी भी टाइम है, टाइम प्लस टाइम तो टाइम दैट इज टी। तो डायमेंशन ऑफ बी इक्वल टू होगा एल टी माइनस वन इंटू टी, तो डायमेंशन ऑफ बी इक्वल टू होगा एल टी माइनस वन, ये टी टू द पावर जीरो, तो एल टी टू द पावर जीरो, ये बी का डायमेंशन हो गया। दिस इज द डायमेंशन ऑफ बी, दिस इज डायमेंशन ऑफ ए, दिस इज डायमेंशन ऑफ सी। समझ में आया बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं इसी पे, इफ अल्फा अपॉन टी स्क्वायर इक्वल टू एफ वी प्लस बीटा अपॉन एक्स स्क्वायर, ये इक्वेशन आपको बता दिया हुआ है। टी क्या है, टाइम, वी क्या है, वेलोसिटी, एफ क्या है, फोर्स, एक्स क्या है, डिस्टेंस, आपको ये बता दिया गया है। टी टाइम है, वी वेलोसिटी है, एफ फोर्स है और एक्स डिस्टेंस है। आपसे बोलेगा फाइंड डायमेंशन ऑफ अल्फा एंड बीटा, ये भी क्वेश्चन उसी प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस से क्वेश्चन बनेंगे। कैसे बनेगा, डायमेंशन ऑफ अल्फा अपॉन टी स्क्वायर इक्वल टू डायमेंशन ऑफ एफ इंटू वी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ बीटा अपॉन एक्स स्क्वायर, यही है। तीन टर्म, इसको एक टर्म बोलिए, ये दूसरा टर्म, ये तीसरा टर्म। तो ये डायमेंशन ऑफ अल्फा अपॉन टी स्क्वायर इक्वल टू डायमेंशन ऑफ एफ इंटू वी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ बीटा अपॉन एक्स स्क्वायर। अब इसका डायमेंशन निकालना हमको बहुत आसान है, एफ इंटू वी का डायमेंशन निकालना बहुत आसान है। देखिए एफ इंटू वी का डायमेंशन क्या होगा, एफ क्या है, फोर्स, एम एल टी माइनस टू, और वी क्या है, वेलोसिटी, एल टी माइनस वन। तो ये क्या हो जाएगा बताइए, एम एल स्क्वायर टी टू द पावर माइनस टू प्लस ऑफ माइनस वन। मल्टीप्लीकेशन में बेस अगर सेम रहता तो पावर एड होता है, तो एम एल स्क्वायर टी टू द पावर माइनस टू प्लस ऑफ माइनस वन, यहां से हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी टू द पावर माइनस टू माइनस वन दैट इज माइनस थ्री। ये किसका डायमेंशन हुआ, एफ इंटू वी का डायमेंशन। अब एफ इंटू वी का जो डायमेंशन है वो अल्फा अपॉन टी स्क्वायर के बराबर होगा, विच इज इक्वल टू व्हाट, अल्फा अपॉन टी स्क्वायर। यहाँ पे डायरेक्ट हम लिख देते हैं क्योंकि ये इसके बराबर होगा, तो यहां से अल्फा का डायमेंशन आप डायरेक्ट लिख सकते हो, एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री इंटू टी टू द पावर टू, अल्फा का डायमेंशन यहां से डायरेक्ट लिख सकते हो। तो डायमेंशन ऑफ अल्फा इक्वल टू एम एल स्क्वायर टी टू द पावर माइनस थ्री प्लस टू, यानी क्या होगा बताइए, एम एल स्क्वायर टी टू द पावर माइनस थ्री प्लस टू कितना होगा, माइनस वन। दिस इज डायमेंशन ऑफ अल्फा। आप चाहिएगा तो आप बीटा का डायमेंशन निकाल सकते हैं, बीटा का डायमेंशन क्या निकलोगे, डायमेंशन ऑफ बीटा अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू मैंने क्या बताया, डायमेंशन ऑफ एफ बी। तो डायमेंशन ऑफ बीटा अपॉन एक्स क्या है, लेंथ, एक्स क्या है, एक्स क्या है नहीं बताया, एक्स डिस्टेंस है, अपॉन एल स्क्वायर इक्वल टू एफ इंटू वी का डायमेंशन। एफ इंटू वी का डायमेंशन क्या होगा, एम एल स्क्वायर, और टी टू द पावर कितना है बताइए, माइनस थ्री, माइनस टू, माइनस वन, प्लस माइनस, ठीक है, ठीक है। तो यहां से बीटा का डायमेंशन कितना होगा, एम एल स्क्वायर टी टू द पावर माइनस थ्री और इंटू कितना होगा, एल स्क्वायर उधर जाएगा, तो बीटा का डायमेंशन निकल जाएगा एम एल टू द पावर व्हाट, फोर, टी टू द पावर माइनस थ्री। कुछ है, कुछ नहीं है, रूल्स को जानिए, सही तरह से उसको अप्लाई कीजिए, बनेगा, ठीक है, नोट कीजिए इसको, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए एक और क्वेश्चन है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल, किसी, ये यू एनर्जी है, इसको हम इरेज कर देते हैं तब आपको समझ में आएगा, मैं समझा पाऊंगा, ठीक है। यू क्या हुआ पे, पोटेंशियल एनर्जी, और एक्स क्या है, एक्स आपका डिस्टेंस है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी एक्स का फंक्शन है, पोटेंशियल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ एक्स। मैं यहां पर लिख देता हूं उसका लैंग्वेज क्वेश्चन का, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल, ऑफ अ पार्टिकल एज अ फंक्शन ऑफ एक्स, एज अ फंक्शन ऑफ एक्स, एक्स क्या है, डिस्टेंस, एक्स मतलब क्या है, डिस्टेंस, इज गिवन बाय, इज गिवन बाय, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल
एज ए फंक्शन ऑफ एक्स इज गिवन बाय यू इक्वल टू ए रूट एक्स अपॉन बी प्लस एक्स. क्वेश्चन है कि फाइंड डायमेंशन ऑफ ए एंड बी. देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं. ये भी रूल वन का ही क्वेश्चन है. ध्यान दीजिए एक्स डिस्टेंस है तो जाहिर सी बात है एक्स डिस्टेंस और बी उसमें एड किया हुआ है तो यानी डायमेंशन ऑफ बी जो होगा वो डायमेंशन ऑफ एक्स के बराबर होगा दैट इज एल. क्लियर. एक्स डिस्टेंस पर एक्स का डायमेंशन एल होगा तो बी का डायमेंशन भी क्या होगा एल होगा और बी प्लस एक्स का भी डायमेंशन क्या होगा एल ही होगा. एक्स का डायमेंशन एल होगा बी का डायमेंशन एल होगा तो बी प्लस एक्स का भी डायमेंशन क्या होगा एल ही होगा. तो बी का डायमेंशन क्लियर निकल गया एल. और हमको निकालना ए का तो डायमेंशन ऑफ यू इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ ए इंटू डायमेंशन ऑफ रूट एक्स अपॉन डायमेंशन ऑफ बी प्लस एक्स. यहां से काम कर सकते हैं. अब जरा देखो समझो इस चीज को थोड़ा सा. हमको निकालना है डायमेंशन ऑफ ए. एक्स बी प्लस एक्स का डायमेंशन क्या होगा एल होगा क्योंकि एक्स लेंथ है बी लेंथ है तो बी प्लस एक्स भी लेंथ हो. और यू क्या है पोटेंशियल एनर्जी तो पोटेंशियल एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है एम एल स्क्वायर टी माइनस टेन. जो वर्क का होगा वही पोटेंशियल एनर्जी का होगा. वर्क का क्या होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. एम एल टी माइनस एम एल स्क्वायर टी माइनस टेन इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ ए. डायमेंशन ये रूट एक्स यानी क्या होगा एल टू द पावर वन वन बाई टू अपॉन यहां पे क्या होगा एल होगा. अब सिंपल सी बात है ए का डायमेंशन निकालना तो डायमेंशन ऑफ ए इज इक्वल टू क्या एम एल स्क्वायर टी टू दी पावर माइनस टू इंटू एल अपॉन ये टर्म नीचे आ जाएगा एल टू दी पावर वन बाई टू. तो यहाँ पे हो जाएगा एम एल स्क्वायर एम एल क्यूब टी स्क्वायर अपॉन एल टू दी पावर कितना वन बाई टू. आप इसको ऊपर ले जाकर सॉल्व कर सकते हो एम एल थ्री माइनस वन बाई टू और टी टू दी पावर टू. देख लीजिए कहीं कुछ गलती तो नहीं कहीं गलती नहीं होना चाहिए. ए का एम एल स्क्वायर टी माइनस टू देखिए यहाँ पे एरर था माइनस टू होगा यहाँ पे एम एल स्क्वायर टी माइनस टू. देखिए छोटा सा गलती करोगे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में गलती वाला ऑप्शन वहां पे रहता है. तो एम एल क्यूब टी टू दी पावर कितना माइनस टू और एल टू दी पावर हाफ. तो एम एल ये हो जाएगा थ्री माइनस हाफ टी टू दी पावर यहाँ पे क्या होगा एम. तो यहाँ से क्या होगा यहाँ पे होगा माइनस टू. अच्छा से लिख देते हैं माइनस टू. तो एम एल ये आप सॉल्व कर लीजिए थ्री माइनस वन बाई टू सिक्स माइनस वन दैट इज फाइव बाई टू सिक्स माइनस वन दैट इज फाइव बाई टू टी टू दी पावर वन. This is rule number one. ये आपका rule number one का कुछ questions था. Dimension पे एक और rule बात करें जिसमें लोग sin theta, cos theta, tan theta, exponential function, logarithmic function इस तरह का कुछ हो तो हम लोग वो वाला अगले क्लास में वो अगले लेक्चर में और उसके साथ साथ हम लोग बात करेंगे कि डायमेंशन का क्या और यूज है उसके limitations क्या है. ठीक है ना उसके limitation भी है उसका uses भी है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे क्योंकि ये ऑलरेडी वीडियो बड़ा हो चुका है. ये वीडियो यहीं तक रहेगा. अगले क्लास में हम लोग डायमेंशन का यूज क्या होता है उसका लिमिटेशन क्या होता है ठीक है और उसके बाद हम लोग फिजिक्स में एंड मैथमेटिक्स के स्टडी करेंगे. ठीक है उसमें हम लोग वेक्टर का स्टडी करेंगे और डिफरेंशिएशन का स्टडी करेंगे. कैलकुलस के बारे में कुछ जानेंगे डिफरेंशिएशन और कुछ ग्राफ्स वगैरह पढ़ेंगे तभी जाके आपको आगे काइनेमेटिक्स समझ में आएगा क्योंकि फिजिक्स मेन वहीं से स्टार्ट होता है. ये सब तो चलिए बहुत इजी चीज है लेकिन वहां से फिजिक्स का असली मजा आपको मिलेगा. ठीक है सो फॉर दैट प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल. थैंक्स फॉर वॉचिंग.